आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का ये वेबिनार, ये परिचर्चा डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड पाली, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और उसके सहयोगी अन्य जितनी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो कि फॉर्मर हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं और फिर उसके बाद मैं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत भी करें और साथ में जितने हमारे अभ्यागत हैं, प्रतिभागी हैं, उनका भी अभिनंदन करें। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि आज का जो विषय है वो काम पुरुषार्थ एवं काम तत्व है। ये दो शब्द काफी हद तक, काफी सीमा तक अलग अलग अर्थों को बोधित कराते हैं, आयाम इनके अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। और इनकी जो संस्कृत शास्त्रीय मीमांसा का मतलब ये है कि हम शास्त्रों में देखें कि किस रूप में इनको देखा गया है, क्यों, वो किस लिए, क्योंकि अनेक प्रकार की कथाएं, अनेक प्रकार के मूर्तियां, अनेक प्रकार के चित्र, अनेक प्रकार के व्यवहार और मान्यताएं, ये सब मिलाकर के हमारे सामने उस काम का क्या रूप उपस्थित करती हैं, हमारी उस काम के विषय में क्या समझ बनती है जिसके विषय में वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल से होती हुई और हमें साहित्य में आते हुए तक ये धारा दिखाई देती है। तो उस काम के एक पूरे स्वरूप को समझने और जानने के लिए आज का ये वेबिनार हमने आयोजित किया है। तो सीधे बात को शुरू करते हुए मैं आपका ध्यान अपनी स्क्रीन के नीचे की ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि बीच वाला जो चित्र है ये कामदेव और रति का चित्र है, नित्य मुद्राओं में है, आनंद की मुद्राओं में है और आप कामदेव के हाथ में ये जो इक्षु देख रहे हैं जिसे आप गन्ना कहते हैं, आज हमारी सामान्य भाषा में इक्षु उनके हाथ में विद्यमान है, वो इक्षु बड़ा सिंबॉलिक है लेकिन वो सिंबल्स क्या है वो आज के विद्वान वक्ता हमें स्पष्ट करेंगे। और उसके अतिरिक्त बाकी आप ये देखेंगे जो मैं बाकी चर्चा बाद में भी आप लोगों के साथ करूंगा कि यहाँ पर पक्षी भी विद्यमान है और कई चीजें विद्यमान है और इस मूर्ति में आपको कई सारे अन्य भी भाव भंगिमाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस काम और रति के साथ जो हमारे मुख्य रूप से हमारा परिचय होता है वो क्या होता है, वो परिचय होता है कि शिव के द्वारा काम को भस्म करने के साथ, कि कैसे शिव ने जो है, आप सब कथा को जानते हैं, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, उस समय को हम बचाएंगे। तो शिव ने काम को भस्म कर दिया, ये अपने मिथक में इसको हम कैसे समझें, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है कि इन पौराणिक कथाओं का महत्व का रहस्य हम कैसे समझें, क्या समझें इन पौराणिक कथाओं को कि आप काम को ही जला देंगे। दूसरी ओर आप ये भी देख रहे हैं कि बुद्ध के, जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, तो उनके ऊपर आक्रमण किया था मार ने, क्योंकि वहां पे बुद्धत्व में मार शब्द काम के लिए आया है, काम भी आया है, कम पाली में कहते हैं, तो उसको किस रूप में बुद्ध ने कैसे उसको पराजित किया, ये कथाएं भी आप लोगों को परिचित हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा और अग्रसर होते हैं। एक बात को और हम ध्यान में रखें, क्योंकि काम का जिस अर्थ में आज हमारे दिमागों में शब्द बैठा हुआ है सेक्सुअलिटी का, उसके पीछे एक उस अंतर को भी हम ध्यान में दे लें। आप देखते होंगे कि जो ग्रीक ट्रेडिशन रही है, उस ग्रीक ट्रेडिशन में जितने भी वहां के गॉड्स हैं, ठीक है, उनको मैं देवता शब्द नहीं कर रहा, उन सारे के सारे बहुत मस्कुलर बॉडी वाले हैं और ये उनकी जो प्रभाव है वो हमें रोमन एम्पायर्स में, रोमन स्कल्पचर्स में और उनकी पेंटिंग्स में, ड्राइंग्स में और फिर सारा का सारा यूरोपियन उसमें पर्सपेक्टिव में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उसके विपरीत जब आप अपने देवी देवताओं को देखते हैं, आप देखते हैं कि उनके शरीर में कितने सौम्यता है, शालीनता है, कहीं कोई मस्कुलर नहीं है, कितने, हालांकि वो सभी शक्तिशाली हैं, चाहे वो हनुमान ही क्यों नहीं, आप देखें कि
हर तरह का अतुलित बल धावम जब आप कहते हैं तो निश्चित रूप से उनके बल की पराकाष्ठा उनमें विद्यमान है। उस दूसरे कृष्ण को भी आप देखते हैं, तो इस अंतर को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको काम के जो अनुचित अर्थ हमारे संस्कृति में ला दिए गए हैं भाषा के माध्यम से और व्यवहार के माध्यम से, तो उसमें अंतर करने का अंतर करना आपको दिखाई देगा। और जैसे कि ये मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है कि वहां पर मस्कुलर बॉडी की, गॉड्स की मस्कुलर बॉडी की जरूरत किस लिए है, वहां पर देवताओं के साथ, देवता जो है वो मनुष्यों के साथ लड़ रहे हैं और बाकी सारी झगड़े हो रहे हैं, तो वहां पर एक मस्कुलर सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है मस्कुलर बॉडी की। लेकिन यहाँ सर्वाइवल सर्वाइवल के लिए ना होकर के वो एस्थेटिक्स के लिए। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर अगर आप अपने शरीर को, काम को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो काम की अभिव्यक्ति वहां कैसी है, और यहाँ काम की अभिव्यक्ति जो है वो सौम्यता में किस रूप में हमें दिखाई देती है। ये बाकी सब बातें तो मैंने आप लोगों के साथ साझी कर ही रखी थी उसमें, और लेकिन आगे की बात करने से पहले कुछ एक प्रश्न और आप लोगों के साथ साझा करने से पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को, जो कि अध्यक्ष हैं संस्कृत पाली विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम, ये परिचर्चा आज आयोजित की जा रही है, कि मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का स्वागत करें और हमारे साथ जितने प्रतिभागी हैं उनका भी वो अभिनंदन करें। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, धन्यवाद। अच्छा, वागार्थ अभी संप्रक्ते वागार्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम्। परम श्रद्धेय आज के जाल संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, भूतपूर्व अध्यक्ष दर्शन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, अच्छा बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका इस मंच पर, और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही और जिनको मैं देख पा रहा हूँ, बहुत लोगों से परिचित नहीं हूँ, डॉक्टर कौशल जी बैठे हैं, निदेशक संस्कृत अकादमी हरियाणा, सी के झा जी, रविंदर जी मैं देख पा रहा हूँ, माधवी जी और अन्य जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय जो डॉक्टर आशुतोष जी के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया कि आज का मैं धन्यवाद ये शब्द कहूँ, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बड़ा सुंदर और इस समय के लिए बड़ा ही उपयुक्त विषय रखा है, क्योंकि काम को लेके बहुत सारी भ्रांतियां, जिस दृष्टि से संस्कृत शास्त्रों में उसका वर्णन हुआ है उसके विपरीत जाके जो लोक में एक और तरह का व्यवहार, काम शब्द सुनने से ही, सुनने मात्र से ही जो है वो इस तरह की विप्रतिपत्तियां, बहुत सारी विसंगतियां हमारे सामने आती हैं। पर हमें इन बाकी तो डॉक्टर साहब बहुत उस पर विचार करेंगे, जो क्योंकि ये संस्कृत में सुक्ति है कि मुखरता अवसरे विराजते, अवसर पे कही हुई बात अच्छी लगती है। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, जैसा कि जो हमने शेयर किया है टेम्पलेट, उसमें भी डॉक्टर साहब ने वो लिखा हुआ है ऋग्वेद का मंत्र, तो सृष्टि की उत्पत्ति के विषयक जो तत्व है पुरुषार्थ चतुष्टय में, अगर हम उसको इस तरह से विकृत मानसिकता के साथ, क्योंकि उसके बिना सृष्टि संभव नहीं है, और ये देवीय कार्य में हम अपनी क्या कहते हैं प्रतिभागिता नहीं दे सकते, उसके गलत अर्थों में उसको समझना, उसको देखना, ये बड़ा अनुचित है। और इस तरह कि इस विषय को लेकर मैं कहता हूं कि बहुत बार चर्चा होती है कक्षा में भी कि क्या आवश्यकता पड़ी थी लेकर वात्स्यायन ऋषि को, कि उन्होंने एक पूरा का पूरा शास्त्र इस विषय को दृष्टि में रख के लिख डाला। अगर ये कहीं गौण होता या अनुचित होता तो संस्कृत शास्त्र में इस तरह से ऋषियों द्वारा उसकी प्रतिपादना ना हुआ होती। और आप देखें अपने जो प्राचीन अभिलेख हैं या गुफाएं हैं, या आप
मंदिर हैं उनमें भी इस तरह की बहुत सारी मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। अगर ये प्राचीन परंपरा में कहीं भी हेय दृष्टि से काम पुरुषार्थ को नहीं देखा गया, और संस्कृत शास्त्रीय किस तरह से उसकी सौंदर्य मीमांसा में ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत सारी बातें हैं कहने वाली, डॉक्टर साहब भी शेयर कर रहे हैं। और आज के मुख्य वक्ता से हम इन्हीं विषयों में कि ये किस तरह से जो ये परंपरा प्रारंभ हुई और क्या उसका संदर्भ है, वो सारी चर्चा हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और डॉक्टर आशुतोष जी को भी मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन कि उन्होंने इस ये सौभाग्य हमें प्रदान किया, और सभी जितने इस मंच पे जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साहब से जो है वो प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे कहें। धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र जी। हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो पौराणिक कथाएं हैं, क्योंकि कथाओं से माध्यम से पहले शुरुआत करना मुझे लगता है ज्यादा उचित रहता है, क्योंकि सीधे सीधे ज्ञान की बात करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है कि ऐसे विषय जो बड़े ठोस हों, बड़े सीधे सपाट और स्पष्ट होते हैं, तो कथाओं के माध्यम से जब हम उनको अप्रोच करते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमें जो है आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, सरलता से सहायक होते हैं। तो इस विषय को आप देख पा रहे हैं, ये जो आप स्क्रीन पे एक चित्र देख रहे हैं ये एक सील है, गुप्तकालीन सील है, जहां पर ये स्पष्ट नहीं है लेकिन क्योंकि फोटोग्राफ उस रूप में नहीं है, लेकिन ये सील है जो कामदेव की हमें एक उपलब्ध होती है। और आप इसमें देख सकते हैं महाभारत में काम के ऊपर दिया गया है, तस्मात कामो विशिष्यते, ये काम बहुत विशिष्ट है, लेकिन वो विशिष्टता कहाँ से, पुरुषार्थ से लेकर के उसके रूपांतरण को जब हम तत्व के रूप में करते हैं, रूपांतरण की प्रक्रिया के माध्यम से, तो वो क्या है कैसे है उस सब को हम समझने का आज प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम कुछ बातें अपने ध्यान में रख लें तो हमें सुविधा होगी इस सारे विषय की व्यापकता को और इसके विभिन्न आयामों को समझने में। देखिए एक तो बात ये ध्यान में रखें कि कामदेव के पास 5 बाण होते हैं, जिसमें आप सफेद जो कमल है, अशोक ट्री, अशोक का वृक्ष है उसके, और आम्र मंजरियां, जैस्मीन और ब्लू लोटस, नीला कमल जो है, ये उनके 5 बाण हैं जिनसे वो सभी संसार भर के मनुष्यों पर अपना प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमें पुराणों में और जो स्क्रिप्चर्स में जो इनके चित्र मिलते हैं उसमें आप देखिए कि कहीं पर वो हाथी के रूप में है, और उनका जो धनुष है वो धनुष क्या है, उनका जो है ईख जो है वो उनका धनुष है, कभी वो तोते के साथ हमें किसी रूप में मिलते हैं। अब ये सब बातें हमारी समझने के लिए हैं कि ये वो प्रतीक किस रूप के प्रतीक हैं, क्या वो बताना चाहते हैं, और ये काम का वो बहुत ही सौम्य रूप है जो हमें उपलब्ध होता है, जो जिसकी उपासना सभी लोग करते हैं, और मदनोत्सव जिसे आप कहते हैं, कामोत्सव कहते हैं, ये उनके रूप हमें उपलब्ध होते हैं। तो इन रूपों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मुख्य वक्ता के बाद जो है वो आप लोग इन विषयों के ऊपर भी चर्चा करें और इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास करें कि ये इनके इन प्रतीकों के अर्थ क्या होंगे। अब एक बात को और ध्यान दीजिए कि जब काम तत्व की हम बात कर रहे थे, काम पुरुषार्थ से साथ साथ, तो ऋग्वेद के ये जो मंत्र हमें मिलते हैं, कामस्तदग्रे संवर्ततादि आदि आदि, तो जहां पर काम को सबसे सृष्टि का प्रथम तत्व स्वीकार किया गया है, इसका क्या अर्थ होगा, क्यों उन ऋषियों ने ऐसा देखा, और कैसे, और उससे क्या अभिप्राय और क्या तत्व, क्या अपेक्षा रही होगी। नंबर 2, जब आप साथ में ये भी तैतृय उपनिषद में भी देखते हैं कि वो उस पुरुष को सो अकामयत बहु श्याम प्रजाए, कि उसकी कामना करने मात्र से बहुत सारी जो प्रजाएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, और काममय ही पुरुष उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया है, तो इन सब बातों का क्या अभिप्राय है, क्या अपेक्षा वो हमसे करते थे कि आने वाली जनरेशन इस इन सब मंत्रों से क्या अर्थ निकालें। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, संकल्प मूलक काम, कि काम जो है वो संकल्प मूल है,
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक बार फिर पुरुषार्थ के रूप में भी इसको देखें और साथ ही साथ जो त्याज्य दोषों में काम को गिना गया है उसको भी आप ध्यान रखिए कि एक तरफ तो उसको सृष्टि का आदि तत्व कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम सारे साहित्य में उस काम को दोष, उसको जो है वो निंदा कर रहे हैं। तो ये सारी जो विरोधी धर्म है, विरोधी दृष्टियां हैं, ये किस कैसे एक जगह पर आके समन्वित होती हैं और कैसे ये अपना अर्थ सिद्ध करती हैं, इसके लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ एक शब्दों से आप जरूर परिचित हों। जैसे कि आप एषणा शब्द से परिचित हों, रति शब्द से, श्रृंगार से, संबंधों से, लावण्य, क्योंकि काम शब्द जो है वो किससे बनता है, कमु कामतो कमु दीप्तो धातु है कि चमक है, प्रकाश है, तो वो जिस रूप में आप काम को समझते हैं वो उस रूप में तो है नहीं अपने अर्थ में, शाब्दिक अर्थ में। और फिर आप ये भी देखिए रिकमेंडेशंस को, अगर आप देखें धर्मेण विरुद्ध कामा निंदित है, धर्म के विरुद्ध जो काम है वो निंदित है, धर्मेण अविरुद्ध कामा, तो कैसा हो, धर्म के अविरुद्ध हो। तो इन सब शब्दों से को ध्यान में रखते हुए आप काम के बाकी शब्दावली से भी परिचित हो जाएं कि काम के विविध आयाम कौन कौन से हैं। जैसे कि उनको काम तो आप कहते ही हैं, लेकिन काम के साथ उनको क्या कह रहे हैं, मन्मत, ये उनका एक और नाम है। फिर आप उनको मदन भी कह रहे हैं, कुसुम शर, ये आप सब देख सकते हैं अपनी इस स्क्रीन के ऊपर, अनंग उनको कहा जा रहा है, प्रद्युम्न कहा जा रहा है, कंदर्प कहा जा रहा है, और दर्पक है, मनसिज है, मनोज है, रतिकांत है, रतिपति, अभिरूप, कितने सारे नाम हैं और सभी के अपने अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग उसके आयामों को वो प्रस्तुत करते हैं। एक बात को और मैं कह करके फिर मैं उसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ मुख्य वक्ता को कि देखिए आज के युग में ये विषय लेना इसलिए आवश्यकता है कि जितनी जेंडर सेंसिटाइजेशन की इश्यूज लिए जाते हैं, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी जेंडर के ऊपर आधारित हैं, लिंग भेद पर आधारित हैं कि एक स्त्री है और एक पुरुष है। और जबकि हम जानते हैं कि संस्कृत के लोग कि इस विषय को बड़े स्पष्ट रूप से जानते हैं कि सब कुछ जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं है, वो उसके एलिमेंट के ऊपर आधारित है। एलिमेंट से क्या अभिप्राय है कि उसमें रहने वाला, हर पुरुष में रहने वाला जो स्त्री तत्व है वो, और हर स्त्री में रहने वाला जो पुरुष तत्व है उसको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। एक मिनट में एक माइक ऑन है, मैं उसको ऑफ कर दूं जी। तो आप ये देखिए कि सारे का सारा जो भारतीय परंपरा है वो हर पुरुष के भीतर स्त्री तत्व का विकसित करने की बात करती है और हर स्त्री के भीतर रहने वाले पुरुष तत्व को विकसित करने की बात करती है। लेकिन अगर आप सिर्फ केवल पुरुष और स्त्री की बात करेंगे तो आप केवल आपसी विरोध और द्वेष को ही पैदा कर सकते हैं, आप उनमें सेंसिटाइजेशन नहीं पैदा कर सकते। सेंसिटाइजेशन इस बात की कर सकते हैं कि आप पुरुष होने के अहंकार को और अधिक सुदृढ़ कर लें और स्त्री अपने अहंकार को और अधिक सुदृढ़ कर लें। चलिए इसके साथ आप तीन स्तर काम तत्व को लेकर के देखेंगे कि जब वो आत्मिक स्तर पे है तो वो योग बन जाता है, भावनात्मक स्तर पे है प्रेम है, और शारीरिक स्तर पे वो रति रह जाता है। और इसको देखने के जो तीन एंगल्स हैं वो आप सभी जानते ही हैं, आप सब विद्वान हैं, ये कर्ता और भोक्ता और ज्ञाता के रूप में इसको आप कैसे देखेंगे, और फिर काम की जो वृत्तियां हैं वो कैसे कैसे अभिव्यक्त होती हैं, कर्म के रूप में, वाक के रूप में, बुद्धि के रूप में और भाव के रूप में भी अभिव्यक्त होती हैं। ये उसकी चार वृत्तियां हैं जो आप परिचित हैं। अब इस विषय को लेकर के ऋग्वेद और हमारे जो संस्कृत परंपरा है कितनी स्पष्ट और निर्भीक है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे हमें वेस्ट के लिटरेचर में दिखाई देता है। वो क्या कहते हैं कि अस्य वामी सूक्त में वो कहते हैं जिन्हें पुरुष कहते हैं वो वस्तुतः स्त्री हैं, जिसके आंख है वह इस रहस्य को देखता है, अंधा इसे नहीं समझता। ये जो बात मैंने आपसे की है स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की, वो जेंडर की बात नहीं कर रहे, वो उसके भीतर रहने वाला जो फेमिनाइन एलिमेंट है और जो मैस्कुलाइन एलिमेंट है उसकी बात वो कर रहे हैं। तो कितने स्पष्ट हैं, और इसीलिए शायद जो कई हमें आक्षेप देखने को मिलते हैं, पढ़े लिखे जो सरकारी तौर पे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जो संस्कृत साहित्य में आक्षेप लगाते हैं कि शिव जी ने ऐसे कर दिया, ब्रह्मा ने वैसे कर दिया, तो वो लोग शायद उन रहस्यों को नहीं जानते और समझते। तो उसको जानने और समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से परिचित हों।
अब मैं ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन ये सारी बातें हमें उपलब्ध होती हैं जहां पर काम को कई अर्थों में परिभाषित किया है। वो न तो उसके स्थूल रूप से कहीं भागते हैं, न उसके कोई उसको कोई उसके प्रति कोई रिजर्वेशन रखते हैं, उसको भी स्पष्ट करते हैं, लेकिन वहां से उठ करके, जैसे कि मैंने शब्द प्रयोग किया था, रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं कि उस दैहिक काम का रूपांतरण किसमें है, वो अध्यात्म में रूपांतरण कैसे हो, जिसे हम काम तत्व कहते हैं। और इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो लोग कितने परिचित थे, और साहित्य में तो हम सब ये पढ़ाते ही हैं कि 10 स्थितियां होती हैं काम के बीच में, कि अभिलाषा से शुरू होता है और मृत्यु तक जो है उसकी 10 स्थितियां हैं, जिन्हें आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें हैं जिनको विषय में हम सभी बातचीत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और दिशा निर्देश लेने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से कि वो इस सारे विषय को हमारे लिए, इसके विभिन्न आयामों को हमारे सामने स्पष्ट करें कि कैसे इस तत्व को और इस पुरुषार्थ के आपसी संबंध को हम समझें, कैसे इसको अप्रोच करें जिससे कि हम भीतर से जो है वो सरल हो सकें और बिना किसी रिजर्वेशन के हम जो है स्त्री पुरुषों को देखना सीख सकें। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ लगभग अगले 30-35 मिनट के लिए वो अपना वक्तव्य प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी देंगे, और उसके बाद आप लोगों की टिप्पणियां, आप लोगों के विचार, प्रश्न, वो सब हम इस विषय पे लेंगे। तो डॉक्टर साहब, सर, मंच आपके लिए। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी, आ ब्रह्मांड पिपिलिकांत तनुभित सुदृम्भमान स्फुटम जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भाग्यतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्री राजराजेश्वरी श्री विद्या करुणा निधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगींद्रमिड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीकर्मं मंडलं वीरान्द्वष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्ररादसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज की इस संगोष्ठी में जितने भी विद्वद्गण उपस्थित हैं उन सबको प्रणाम करके मैं अपनी बात संक्षिप्त रूप में रखने की कोशिश करता हूँ। आज का जो विषय था कि काम पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ हम किसे कहते हैं, तो पुरुष का अर्थ माने तो पुरुष क्या चाहता है, प्रत्येक आत्मा क्या चाहती है, उसका लक्ष्य क्या है, उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। कितने पुरुषार्थ होंगे, तो चार पुरुषार्थ की बात सभी लोग जानते हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें हमने आज काम पुरुषार्थ के ऊपर हमें जो भी प्रस्तुत करना है, काम पुरुषार्थ क्या है, इसको हम समझना चाहते हैं। काम पुरुषार्थ क्या है, इसके बारे में आशुतोष जी ने समुची बातें बड़े संक्षेप से और उन्होंने पूरे शास्त्रों के मत को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। काम क्या है, कि काम का अर्थ क्या है, और काम पुरुषार्थ का मतलब क्या है। तो काम का अर्थ चाहना होता है, और काम के दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। जैसे हम गीता में देखते हैं, तो एक तरफ गीता में भगवान कहते हैं कि काम की वो निंदा भी करते हैं, वो कहते हैं दूसरे अध्याय में कि जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, कि काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों शत्रु है, तो काम ऐसा है, क्रोध ऐसा है, रजोगुण समुद्र है, कि काम जो है वो रजोगुण से बनता है और उसी से क्रोध पैदा होता है। ये काम जो है इतना निंदनीय है कि काम को गीता में उन्होंने इतना निंदनीय बताया कि काम नरक के तीन द्वार भी कहा है उन्होंने, कि काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। तो काम की वो निंदा करते हैं और कहते हैं जही शत्रु महाभाव काम रूपम दुराषदम, कि हे अर्जुन, सबसे पहले हमें काम को नष्ट करना चाहिए, काम को मारना चाहिए। पर ये क्या काम है, अगर काम इतना निंदनीय है, और एक तरफ ऋग्वेद जब ऐसा कह रहा है कि काम जो है वो हमारी सृष्टि का मूल बीज है, तो इसके बीच में हमें समझना होगा कि ये क्यों निषेध किया गया काम का, तो और वो किस दृष्टि से निषेध है और किस दृष्टि से उसका विधान भी होता है। काम जो है, काम का अर्थ है कि जब काम का अर्थ है इच्छा, कामना करना, और हम जो कामना करते हैं तो दो तरह की इच्छा हम करते हैं। इसको हम सीधी सीधी भाषा में कहें तो राग और द्वेष, किसी को हम चाहते हैं
जो हमें प्रिय लगता है उसको हम चाहते हैं। इस संसार में जितनी भी आत्माएं आती हैं उनको जो प्रिय लगता है उसके पीछे भागते हैं और जो अप्रिय लगता है उससे दूर होते हैं। तो एक तरफ जो राग है उस राग को काम कहा गया कि राग माने हम जिस चीज को चाहते हैं जो हमारा प्रिय है वो हमारी ऐसी जो मनोवृत्ति जो हमें प्रिय लगती है उसे हम काम करते हैं कि काम का अर्थ हम क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर ये संसार बना होगा तो परमेश्वर की जो इच्छा हुई होगी कि मैं कुछ पैदा करूं, क्या पैदा करूं, तो मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। इसी तरह उपनिषदों में बार बार कहते हैं काम का अर्थ इच्छा और करना और एक से अनेक होना, एक से मन नहीं लगता है तो हम दो रूप हो जाते हैं। चाहे हम दो के रूप बनेंगे तो हम पति पत्नी के रूप में जब सामने आते हैं तो हमारा समय अच्छा चलता है, अगर हम अकेले रहते हैं तो हम एकाकी न रमते। उपनिषद कहते हैं अकेला किससे रमण करे, किस में मन लगाए, पर दो होते हैं तो कहीं भी आप कहीं भी दो लोग साथ जाते हैं तो उनका आपस में सब चीज़ उनके लिए बराबर हो जाती है और दो लोग जो है वो बहुत कुछ अपना मतलब एक तरह से समय का सदुपयोग कर लेते हैं। तो काम के अंदर है कि एक से अधिक की इच्छा होना, सृष्टि की इच्छा होना, इसलिए काम को सृष्टि का मूल बीज मानते हैं। मनुस्मृति जो है धर्मशास्त्र हमारे चार परंपरा रही और चार हमारे पुरुषार्थ रहे, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। तो धर्मशास्त्र जो है धर्मशास्त्र को जब हम देखते हैं तो वहाँ मनु की स्मृति में जो काम है वो कहते हैं कि संकल्प मूलो वही काम है कि संकल्प यानी इच्छा, इच्छा को काम कहते हैं। किसकी इच्छा है, तो ये इच्छा हमारे मन की इच्छा है कि मेरी मन में इच्छा पैदा होती है तो मैं इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी भर उस इच्छा को चेष्टा को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इच्छा होती है और संसार में जो भी अच्छी या बुरी चीज़ है वो किसी न किसी मनुष्य की इच्छाओं का ही परिणाम है। संसार में हम जो भी देख रहे हैं, अच्छी इच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा, बुरी करेंगे तो बुरी परिणाम करेंगे। तो अब निंदा किस काम की है, सवाल है कि गीता में किस काम को निंदित कर रहे हैं हम, कि काम जब हमें बंधनग्रस्त करता है, काम हमें क्रोध में डालता है, काम हमें लोभ में डालता है तो निंदनीय हो जाता है। किंतु वही काम अगर अच्छे संकल्प के लिए चलता है तो काम हमारा सहायक होता है। यानी काम के दो रूप हैं, एक रूप उसका निंदनीय है और एक रूप उसका वर्णीय है। एक काम देवता के रूप में, इसलिए कहते हैं सबसे पहले अगर कोई देवता बना होगा तो कामदेव ही बना होगा। सृष्टि का पहला देवता अगर है तो कामदेव को हम पहला देवता मानते हैं। इसे विष्णु भी कहा गया, काम को हम लोग विष्णु भी कहते हैं कि कामना जो की उस पुरुष ने जो कामना की, उस कामना में सबसे पहले उसने कामना ही नहीं होगी तो संसार की उत्पत्ति नहीं होगी। तो संसार का जो मूल तत्व सृष्टि का बीज वो इसलिए है कि वो कामना है, परमात्मा की कामना है। परमात्मा ने सोचा और संसार को उसने निर्माण कर दिया। भागवत में ऐसा आता है कि भाई उसने जब संसार बनाया 84 लाख योनियां बना दी, फिर भी इसको भगवान को संतोष नहीं हुआ कि मैं कोई और जबरदस्त चीज बनाऊं जिससे मुझे आनंद आए, क्योंकि मैं अपनी जब इच्छाएं पूरी होता है तो मैं अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं। तो मैं ऐसी दुर्लभ चीज क्या बनाऊं, तो उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य के लिए उसने सभी इंद्रियां बना दी और अपने को जैसा पुरुष था विराट पुरुष वैसा ही उसने एक पुरुष बनाने की कोशिश, इसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य में जब विराट पुरुष उन्होंने बनाया, जितने भी देवता थे सभी देवता उसके अंदर आके बैठ गए, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सब इसके अंदर आके बैठ गए, पर ये पुरुष जिंदा नहीं हुआ। ये पुरुष केवल मृत रूप में रहा, केवल शरीर मात्र रहा। तब वो कहते हैं कि अंत में भगवान ने परमात्मा ने अपनी चित्त शक्ति के साथ इस शरीर में प्रवेश किया, करते ही वो शरीर उठ गया, वो खड़ा हो गया। तो यानी जितने भी जीव हैं उन जीव में जब आत्मा चित्त शक्ति के साथ प्रवेश करती है, ये जीव जो है उनको हम सत कहते हैं, जो इनके तीन रूप हैं शरीर के, एक भौतिक स्वरूप है, एक इसका आध्यात्मिक स्वरूप है और एक इसका दैविक स्वरूप है। तो शरीर जो है वो केवल पांच भौतिक शरीर है, उस पांच भूतों से बना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना, मन बुद्धि अहंकार से बना। उस शरीर में जब चित्त शक्ति आती है तो ब्रह्म में तीन शक्तियां हैं, मतलब ब्रह्म के हम तीन लक्षण जब करते हैं कि सत चित और आनंद। तो सत का अर्थ हुआ कि जो निर्गुण स्वरूप है जो केवल सत्तात्मक है, उस सत्तात्मक में जब चित्त शक्ति का प्रवेश होता है, चेतना उसमें जब प्रवेश करती है, चित्त शक्ति आत्मा के साथ आती है और आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है तो शरीर जीवित होता है। इसलिए भगवान गीता में अंत में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय में मैं बैठा हूँ। मैं बैठा मतलब परमात्मा बैठे। तो परमात्मा जब अपनी चेतना शक्ति के साथ प्रवेश करते हैं तो जीवित होता है, संसार की सृष्टि चलती है। तो सृष्टि के अंदर जब चित्त शक्ति का प्रवेश होता है तो उसमें हमारे शरीर में चित्त शक्ति जब आती है तो हम लोग जीवित होते हैं और संसार का क्रम चलता है। मनुष्य उसकी श्रेष्ठ करती है, क्योंकि मनुष्य को उन्होंने माना कि और जितने भी योनियां हैं उनको बना करके भगवान को संतोष नहीं हुआ कि वो अपूर्ण है, उनमें समुची बातें नहीं आई,
पर पुरुष में, मनुष्य में सब कुछ आ गया जो एक परमात्मा में होता है। परमात्मा ने अपनी सभी शक्तियां भी दी उसमें कि जितनी मेरी शक्तियां सब मैं देता हूँ। हमारे पांच ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, दैविक स्वरूप इसका इस तरह से है कि पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनमें सब में देवता बैठे हैं। वो कहते हैं कि भागवत पुराण में कहा कि इनमें देवता बहुत से बैठे हैं, वो देवता कौन से हैं? तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी इंद्रियां हैं, उनका एक एक देवता होता है। हमारी इंद्रियों का जो देवता होता है कि जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखें सूर्य का प्रतीक करती है, वो प्रकाश करती हैं, तो आंखें हमारा सूर्य का प्रतीक करती हैं। हमारे जो नाक है, नासिका, उसको कहा कि इसमें अश्विनी कुमार बैठे हैं। हमारे कानों में जो है वायु देवता बैठा है, हमारे जो शरीर में स्पर्श है उसमें वायु देवता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि सब इंद्रियों का देवता है। मुख का देवता क्या है? मुख में हमारे कौन सा देवता है? तो कहते हैं कि मुख का देवता जो है, मुख में एक तो रसना है, जीभ है, और एक बोली है। हम बोलते हैं तो बोली का देवता हमें सरस्वती कहते हैं कि हमारे जिह्वा में जो है सरस्वती होती है, वाणी का वास होता है, तो वाणी का वास होता है। और रसना में रस का वास होता है, जल तत्व का यानी वरुण का वास होता है। इस तरह से उन्होंने माना कि हमारे शरीर में सब देवता है। हमारी जो ये ज्ञानेन्द्रियों में देवता है, ऐसी बाह्येन्द्रियां जो है उनमें भी देवता आ गए। करीब 33 करोड़ देवता हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तब ये एक शरीर बनता है। इसलिए कहा गया वेदों में यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कि जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ है उस मनुष्य के शरीर में, वो सब कुछ है। जो बाहर है वो अंदर भी है। अब ये अंदर भी सब कुछ है और इनके सबके देवता हैं। इन देवताओं के कारण ये जो शरीर है, इसमें उनका पैरों का देवता कौन सा है? तो पैरों का देवता उनका विष्णु को पैरों का देवता कहा कि वही हमें सब जगह ले जाता है और यात्रा करता है। तो पैरों में, चरणों में हमारे विष्णु है। हाथों में कौन सा देवता है? तो हाथ में कहा इंद्र देवता। तो हाथों में हमारे इंद्र देवता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे जो लिंग है, उस लिंग में कौन सा देवता होगा? तो उन्होंने कहा वहां पर जो है प्रजापति होता है। और गुदा के अंदर उन्होंने कहा कि गुदा के अंदर जो है वो देवता मित्र देवता है। इस तरह से उन्होंने कहा सभी देवता आ गए, कि पांच भूतों के देवता आ गए, पांच जो है मन बुद्धि अहंकार। तो मन का देवता चंद्रमा माना गया, और बुद्धि का देवता जो है वो गायत्री को माना, गायत्री जो है सरस्वती है वो बुद्धि की देवता है, और अहंकार का देवता रुद्र है, शिव देवता है। और फिर उन्होंने कहा इस तरह से हमारे देवताओं के द्वारा हमारे एक दैविक शरीर है, एक हमारा भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर अष्ट प्रकृति गीता के अनुसार है, और जो ये दैविक शरीर है इनमें देवता आते हैं, और एक आत्मिक शरीर है उसमें केवल परमात्मा बसता है। तो इस तरह से जो हमारा शरीर है, उस शरीर में जो शरीर को जब हम समझना चाहते हैं कि शरीर के क्या लक्ष्य होंगे, तो मुख्य तरह से हम ये माने कि हम शरीर के चार तरह से विवेचन कर सकते हैं। कि एक तो हमारा शरीर है, तो शरीर के लिए हमें जो आहार मिलेगा, वो आहार जो है हमारे शरीर के जो आहार है वो उसका उसको अर्थ पुरुषार्थ से जोड़ते हैं। कि अर्थ का मतलब है कि हमें भोजन चाहिए, खाने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, हमारे हर इंद्रिय को अपना अपना विषय चाहिए। तो विषयों की जो इच्छा है उससे उन्होंने कहा कि ये अर्थ श्रृंगार है, और अर्थ को हम प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी जीवित रहेगा तो उसको इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले अर्थ की बात आती है। उसके बाद में कहा कि जो हमारा मन है, मन को उन्होंने कहा कि काम है, मन ही इच्छा, मन काम है। तो मन अगर हमारा होगा तो हमारी इच्छाएं होंगी, तो उस पुरुषार्थ को हमने काम पुरुषार्थ कहा। कि एक हमें काम पुरुषार्थ है और एक अर्थ पुरुषार्थ है। ये दो पुरुषार्थ सभी प्राणियों में, सभी मनुष्य में अनिवार्य होते हैं, इनका कोई भी खंडन नहीं कर सकता। काम का और काम पुरुषार्थ का और अर्थ पुरुषार्थ का खंडन नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताएं हैं, ये हमारे अंदर पहले से ही हैं, और इनको कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। तो फिर क्यों कहते हैं कि भाई जयी शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम? पर अगर इन पर हम नियंत्रण नहीं करें, इन दोनों पर अगर नियंत्रण नहीं करें, खाली पैसा कमाना ही कुछ नहीं होता है। उसको खाली पैसा दो तरीके से कमाते हैं, ईमानदारी से, बेईमानी से कमा सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं, पैसा हम कमा सकते हैं, पर उस पैसे से हमें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वो, क्योंकि अधार्मिक तरीका है। तो भागवत के 11वें स्कंद में वेदव्यास जी ने एक उदाहरण दिया, एक भिक्षु का गीत कहा उन्होंने। एक भिक्षु क्या है, एक कथा है। उस कथा में जो व्यक्ति है वो खूब पैसा कमाता है, उसने जैसे भी जितने तरीके थे सबसे उसने पैसा कमा लिया, और किसी की कोई हेल्प नहीं की, किसी की कोई सहायता नहीं की, केवल सोचा कि पैसा ही सब कुछ है, तो मैं ही पैसे से भगवान बन जाऊंगा, और अपने आप को भगवान समझता है। सबसे लड़ाई झड़ा है उसका पत्नी से, और अपने आप का उसका जो इच्छाएं हैं उसकी इच्छा के अनुसार वो किसी को भी पसंद नहीं कर रहा है। खाली वो समझता कि मैं ही जो कुछ हूँ मैं हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ गलत सही है, बाकी सब गलत है। उसका इतना विवाद होता है, लास्ट में वो कहते हैं कि उस विवाद के कारण लास्ट में एक दिन ऐसा आता है कि उसका पैसा नष्ट हो जाता है, उसके घर वाले उसके दुश्मन हो जाते हैं, सब लोग उसको तलाक दे देते हैं। और इस तरह से तलाक देने के बाद में वो इतना दुखी होता है, उसका धन राजा लोग
पकड़ते हैं, छापे मारते हैं, उस पर लास्ट में वो एकदम गरीब होता है और भिखारी हो जाता है। जब वो भिखारी होता है तो सोचता है कि ये क्या हुआ, मेरी दुर्गति का कारण क्या है, मैं इतना दुर्गति कैसे हो गई। तब उसे लगता है कि मैंने जो पैसा कमाया वो अर्थ को अनर्थ कहा उन्होंने कि अर्थ जो है, अर्थ को भी हम गलत समझ सकते हैं, अर्थ से अनर्थ आता है। जितना आपके पास पैसा आएगा उतने 15 तरह की गलतियां आप करते हैं। पैसा आने का मतलब, समृद्धि का मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हम उसमें चोर हो जाते हैं। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है तो 15 चीज उन्होंने, व्यास जी ने उसमें लिखी कि 15 चीज अर्थ ही अनर्थ का कारण है। 15 तरह के अनर्थ अर्थ से पैदा होते हैं। वो किसी से बात नहीं करता, किसी की हेल्प नहीं करता, सबसे लड़ता है, झगड़ता है, स्वाभिमान नष्ट हो जाता है और वो किसी का उपकार नहीं करता। पैसा होने का मतलब वो उपकारी नहीं होता और वो केवल स्वार्थी होता है। तो जब केवल स्वार्थी होती है जब संस्कृति, तो वो एक तरह से राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है और वो दुखी हो जाता है और लास्ट में उसका नाश ही होगा। और उसका क्या होगा उस पैसे से, लास्ट में पैसा एक दिन चला जाता है और वो गरीब हो जाता है। जब वो गरीब हो जाता है उसको भागना पड़ता है अपने घर को छोड़ करके और अपने कर्मों के कारण। जब वो भागता है तो लोग उसको पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो बताता नहीं किसी को मैं कौन हूँ, क्योंकि जानता है मेरा नाम जान करके लोग और दुखी हो जाएंगे, मुझे गालियां देंगे क्योंकि मैंने कोई अच्छा काम तो कभी किया ही नहीं जिंदगी में। अच्छा करना अलग बात है, पैसा कमाना अलग बात है। तो इसलिए केवल अर्थ के पीछे नहीं भागना चाहिए। और वो कहता है कि उसके खूब गालियां देते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो भी कुछ बोलता नहीं है। और उसे ज्ञान हो गया, वेद व्यास जी कहते हैं उसे ज्ञान हो गया कि संसार में अर्थ कुछ भी नहीं है, अर्थ ही अनर्थ का कारण है। काम भी अर्थ का अनर्थ का कारण है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। आप अगर इनको अनियंत्रित करेंगे तो ये अनर्थ का कारण होगा। तो वो कहते हैं मेरी इस दुर्गति का कारण मेरे कारनामे हैं, मैंने जो मिलावटें की, मैंने जो गलत प्रयोग किए, केवल धन कमाना या लक्ष्य प्राप्ति या धर्म और अर्थ के पीछे भागा, धन यानी अर्थ और काम के पीछे भागना केवल कुछ भी नहीं होता है, इससे मैं बर्बाद हो गया। और उसके बाद में उसने अपने जीवन को कहा कि ये जितने भी दुख हैं संसार में ये सब इसलिए दुख होते हैं कि मन पर नियंत्रण नहीं होने से। मन अगर आपका अर्थ की ओर चला गया, केवल अर्थ कमाना चाहिए, कैसे भी आए अर्थ आए, तो आप गलत काम करेंगे। ऐसे आप कैसे हो, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरा काम पूरा हो, तो भी आप अत्याचार करेंगे और हिंसक हो जाएंगे। तो हिंसक होकर के आप अपहरण करेंगे और जो भी अपने काम संतुष्टि के लिए या आप धन की कमाने के लिए जो काम करते हैं वो सब दुखी करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, धर्म किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि ये सब धर्म वही चीज है कि जिससे हम मन का निग्रह कर सकें। वो कहते हैं मन इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मन में काम पैदा होता है। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्षयो, तो वेद व्यास जी कहते हैं मन पर नियंत्रण होना चाहिए था। मन पर नियंत्रण नहीं होने के कारण ये सब संसार दुखी है। संसार के दुख का कारण मन पर कंट्रोल नहीं है और हम जो इसका दुरुपयोग करते हैं, काम का भी दुरुपयोग करते हैं, अर्थ का भी दुरुपयोग करते हैं, केवल उसके पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं खूब धनी हो जाए, खूब साधन संपन्न हो जाए, तो उससे हमें कोई सुख और आत्मा नहीं मिलती जब तक हम दूसरों का भला नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि जितने भी यम नियम आसन प्राणायाम जो भी बताए गए, ये सब मनोनिग्रह लक्षणांता, ये सब मन के निग्रह के लिए बताए गए और इससे ही समाधि मिलती है। इसलिए वो काम निंदनीय नहीं है जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गिना जाए। तो भगवान गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि वो क्या चीज है जो हमें बुरे की ओर नहीं ले जाएगी, अच्छाई की ओर ले जाएगी, तो उन्होंने कहा कि यज्ञ तप और दान। उनका यज्ञ और तप और दान ये किसी भी स्थिति में छोड़ने लायक नहीं है। मतलब वो कहते हैं काम करो पर यज्ञ तप दान ही करो, कि यज्ञ तप दान जो है यही जो है हमें आगे ले जाएंगे, क्योंकि यज्ञ में हम दूसरों का भला करते हैं। तपस्या करना और दान देना, आपके पास कुछ है तो उसको दान दोगे, आप दूसरों की चिंता करोगे तो भी आप सुखी हो सकते हो, केवल आप अपनी सोचोगे तो आप भयंकर दुख के जाल में पड़ोगे। इसलिए काम और अर्थ तब निंदनीय हो जाते हैं जो केवल हमारी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए हो जाए, कि मैं खूब बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, खूब बड़ी कोठियां बनाऊं और मैं मन चाहा करूं, तो वो व्यक्ति अंततः वो दुखी होते हैं और वो काम उनका उनको जो काम है वो नष्ट कर देता है। काम क्या होगा कि काम अगर पूरा होता है तो लोभ आ जाता है और नहीं पूरा होता तो क्रोध आता है। तो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने जो समझाया कि काम और क्रोध जो है ये कर्म से पैदा होते हैं, काम क्रोध लोभ, तो इसी तरह इनकी एक 6 तक चले जाते हैं, मद लोभ मोह मत्सर, तो 6 षडवर्ग इसको कहते हैं कि षडवर्ग में जब व्यक्ति चला जाएगा तो नष्ट के लिए ले जाता है। तो ऐसे काम निंदनीय है, वो काम निंदनीय नहीं है। इसलिए कहा कि धर्माविरुद्ध काम, धर्म से अविरुद्ध काम होना चाहिए। भगवान कहते हैं वो मैं खुद ही हूँ, काम का अर्थ मैं खुद ही हूँ, और मैं खुद क्या हूँ कि मैं धर्म से अविरुद्ध हूँ, यानी धर्म के साथ होना चाहिए, धर्म से निंदित काम होना चाहिए। तो महाभारत में इस प्रसंग को ऐसे समझाया है कि लास्ट में उन्हें कहते हैं 500 पांडव एक बैठ चर्चा करते हैं कि ये पुरुषार्थ को हम समझ लें पहले। तो पुरुषार्थ को समझने के लिए उन्होंने इसको इसी रूप में समझा कि
जो है विदुर कहते हैं, उसमें विदुर कहते हैं कि हमें जो है धर्म से ही अर्थ और काम होता है, इसलिए धर्म प्रधान है, अर्थ काम उसके नियंत्रित होने चाहिए। तो धर्म को हम श्रेष्ठ मानते हैं कि धर्म जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थ और काम हमें चाहिए। उसके बाद में दूसरा जो है अर्जुन कहता कि नहीं, अर्थ प्रमुख होना चाहिए। हमारे जो चार शास्त्र पुरुषार्थ के अनुसार चार शास्त्र परंपरा पड़ी, तो वो कहते हैं अर्थ इसमें मुख्य होता है। क्यों अर्थ मुख्य होता है? कि अर्थ होने पर ही धर्म कर सकते हो, और अर्थ होने पर ही आप अपनी कामनाओं को पूरी कर सकते हो। इसलिए प्रधान तत्व तो अर्थ हुआ, तो ऐसा अर्जुन का मानना था। भीम का कहना था कि नहीं, हमें काम प्रधान होना चाहिए, अर्थ और ये तो अर्थ होगा, काम अगर पूरा नहीं हुआ तो अर्थ होने से क्या फायदा, अर्थ हो गया काम पूरा नहीं हुआ तो हमारा जीवन तो नरक में है। इसलिए कहते हैं कि हमें इस दृष्टि को रखना चाहिए कि हमें अर्थ प्रधान होना चाहिए। इन तीनों नीतियों का समार करते हुए नकुल सहदेव वहां बोलते हैं कि इसलिए तीनों को समान मान लें। वो कहते हैं धर्मार्थ कामम समम एव सेव्या जो एक सेवी से नरोधन्य, कि धर्म अर्थ काम ये तीन है, इन तीनों को समान मान लें तो शायद गलती नहीं होगा। एक अगर मानेंगे तो वो नाश करेगा। खाली आप धर्म के पीछे भागेंगे या अर्थ के पीछे भागेंगे या काम के पीछे भागेंगे, एक को ही रखेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। ये तीनों को हमें समान करना चाहिए। इसलिए हमारे जो त्रिवर्ग की तीन साधना पद्धति चली, बातचैन ने काम सूत्र में काम को प्रधान माना पर उसने धर्म को नहीं छोड़ा है, क्योंकि धर्म और अर्थ भी हमारा उसी तरह, काम को हम प्रधानता देते हैं पर धर्म अर्थ को छोड़ नहीं सकते। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र की जो परंपरा, कौटिल्य भी ये कहते हैं कि अर्थ प्रधान होता है। क्यों प्रधान होता है? कि अर्थ जो है वो धर्म की रक्षा करता है। अर्थ नहीं होगा, हम निर्धन होंगे तो हम धर्म का पालन कैसे करेंगे, हम दान कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा पैसा ही नहीं है तो दान नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं कि अर्थ जो है वो मुख्य होता है, पर वो धर्म को भी साथ में रखते हैं। धर्म जो है वो हमें जीवन में न्याय को सिखाता है, इसलिए धर्म का नियंत्रण उसमें जरूरी है। तो इस तरह से उनकी अर्थशास्त्र की परंपरा, कामशास्त्र की परंपरा और जो तीसरी जो परंपरा है, जो तो ये परंपराएं हमारी चली। अर्थशास्त्र की परंपरा हो गई, कामशास्त्र की परंपरा हो गई, काम में वात्स्यायन का सूत्र है और कुछ और ग्रंथ लिखे गए, तो वात्स्यायन ने इसका प्रयोग काम का भी इसी अर्थ में किया कि काम जो है उसको उन्होंने कलाओं से जोड़ा, कि काम का अर्थ है कलाएं, और ये जीवन मनुष्य का जीवन उस पशु जीवन से श्रेष्ठ है। क्योंकि काम तो जिसे मैथुन भाव अगर कहें, स्त्री पुरुष के संपर्क को अगर काम कहें, तो वो तो सभी पशुओं में भी है और उनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, हम क्यों कामशास्त्र बना रहे हैं? तो कहते हैं कामशास्त्र हम इसलिए बना रहे हैं कि कामशास्त्र का अर्थ है कि वो जो पशु भाव है उस पशु भाव से ऊपर हम उसको कला में जोड़ रहे हैं, कि इसको कितने तरीके से देखा जाए, सुंदरता से कैसे जोड़ा जाए, तो उसको सुंदर कैसे बनाए। पशु तो ये नहीं कर सकता, पशु के पास इतना साधन नहीं है, इसकी इंद्रियां इतनी बलवान नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि इतनी नहीं है, पर हम मनुष्य हैं इसलिए हम हर चीज को सुंदर बनाए। तो काम का अर्थ कमनीयता, सुंदरता, सौंदर्य उसमें आए। तो सौंदर्य के लिए उन्होंने हर चीज में उन्होंने सौंदर्य लाने की कोशिश की। उन्होंने काम के जो आसन बताए 84 आसन तक, उन्होंने बताया कि ये 84 आसन उसमें और 64 कला, तो 64 कलाओं में उन्होंने बताया कि ये जो 64 कलाएं हैं, ये इस कामना को जब भगवान ने कामना की और संसार बना दिया, जीव जंतु बना दिए, तो हम भी अपनी कामना करके हम अपने ये जो संसार है, हमारा जो जीवन है, उस जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं। और जीवन की सुंदरता हमें कलाओं से बनानी पड़ेगी। तो ये जो कलाएं हैं उसमें 64 कलाएं जो हैं वात्स्यायन के काम सूत्र में भी हैं और अन्यत्र भी, उन्होंने 64 कलाएं ललित बिस्तर में बौद्ध ग्रंथों में मिलती हैं, जैन ग्रंथों में मिलती हैं। तो उन 64 कलाएं भिन्न भी हो सकते हैं, पर उन कलाओं का उद्देश्य ये था कि हमारा जीवन कला की ओर जाए। काम हमें मुक्त कर रहा है कि हम जिस तरह से कामना करें तो हम अच्छी चीज की कामना करें और जितना उस जीवन को सुंदर, बेहतर और कमनीय बनाएं। और इसलिए आज जो ये प्रश्न था कि भी ये देवताओं की मूर्तियां इतनी सुंदर क्यों बनाई जाती है, वो इसीलिए बनाई जाती हैं, हमने उनको सुंदर रूप में देखा। तो ये जो दो बातें थी, ये इस तरह से इन शास्त्रों का, काम शास्त्र का विकास हुआ। तो ये एक पक्ष था जिसमें मैंने पुरुषार्थ की दृष्टि से विचार किया। अब जो दूसरा विचार था कि काम जो है, काम को तंत्र शास्त्र में, दर्शन में या मोक्ष, हाँ पुरुषार्थ के बारे में एक बात और बच गई थी कि युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म अर्थ काम, इनके अलावा एक पुरुषार्थ और है जिसमें धर्म अर्थ का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, वो मोक्ष पुरुषार्थ है। वो कहते हैं कि मोक्ष पुरुषार्थ में अर्थ की भी निंदा है और काम की भी निंदा है, तो वहां अर्थ और काम से हमारा काम नहीं होगा, वहां हमारी मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हमें निर्गुण की ओर जाना है, हमें आत्मा की ओर जाना है। तो आत्मा में जब जाते हैं तो वहां धर्म अधर्म हमारे काम नहीं आते वहां। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा, वो जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, उसके लिए पूरे दर्शन शास्त्र लिखे गए कि मोक्ष पुरुषार्थ में संसार से मुक्त होना है।
वो कहते हैं कि आप अच्छा या बुरा जो भी करोगे वो एक बंधन बन जाएगा, और बंधन बनने से इससे बंधन से आप कैसे मुक्त होंगे, जो भी आप कार्य करेंगे अच्छा करेंगे तो भी बंधन में स्वर्ग चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, बुरा करेंगे तो भी आप बंधन में, तो उसमें आपको पाप मिलेगा, नरक जाएंगे। तो इस तरह पाप पुण्य का एक जो बंधन लगता है उस बंधन को तोड़ने के लिए उन्होंने मोक्ष की बात की कि यहाँ बंधन के लिए, इसलिए उनका अर्थ काम जो है उन दोनों से हमें बचना है, हमें सबसे बचना है, और लास्ट में हमें क्या मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए उन्होंने कहा ये सब बातें हमारी सहायता नहीं करती, और मुक्ति का जो रास्ता है वो अलग है, वो केवल उसमें आत्मा ही बसती है, आत्मा के अलावा वो वापस धर्म अधर्म के सुख दुख के राग द्वेष के चक्कर से अलग होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुक्ति का जो रास्ता वो मोक्ष शास्त्र है। उसके बाद में एक पुरुषार्थ और आया जिसको हम भक्ति पुरुषार्थ कहते हैं, वो मुक्ति से भी ऊपर है, वो केवल युक्ति मानते हैं। तो वो युक्ति पुरुषार्थ था, युक्ति पुरुषार्थ में ताकि हम अपने इष्ट से जुड़े, हम अपने आप से जुड़े, हम अभी बहिर्मुख हैं, बाहरी संसार में हम भ्रांत होते हैं और तरह तरह की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इनके भागने से लास्ट में मिलेगा क्या, तो इन सब से हमारी तृप्ति नहीं होगी। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की तृप्ति संसार से होती है, अधिकतर लोग काम पुरुषार्थ से तृप्त हैं, अधिकतर जनता खाली काम को जीवन समझती है, जिस तरह से काम को जीवन समझने वाले जिस तरह से भीम थे, तो अधिकतर जनता आज तक मनुष्य काम को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अर्थ से होता है, कि अर्थ पुरुषार्थ की महत्ता देने से हमारा जीवन चल जाएगा, और कुछ लोग जो है धर्म की बात करते हैं कि धर्म जो है सही तरीके से हम रहेंगे, बुद्धि का काम करेंगे, तो ये तीनों हमारे त्रिगुण जो है मन बुद्धि अहंकार, उन तीनों से ये तीन पुरस्कार मने, और इन्हीं को हम कहते हैं कि मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, और आत्मा जो है आत्मा मोक्ष पुरुषार्थ से तृप्त होती है, इसलिए आत्मा मोक्ष पुरुषार्थ से संबंध होती है। अब मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जाने के लिए उन्होंने कहा कि जो काम है, काम के जो यहाँ आज आशुतोष जी ने बताया कि काम के जो पंच बाण है, पंच बाण कौन से हैं और काम है कौन, तो काम जो है वो स्वयं विष्णु, कहा विष्णु का पुत्र भी कहा जाता है कि लक्ष्मी में पैदा हुआ काम, और काम की जो कथा है कालिदास वगैरह ने कही, तो काम जो है वो है क्या, तो काम जो पुरुषार्थ है देवता, काम को हमने अगर देवता ही मान लिया उसको विष्णु का ही रूप दे दिया तो सबसे प्रधान देवता हो गया काम। इसी तरह शैवों ने शाक्तों ने उन्होंने कामेश्वर शिव कहा कि शिव कामेश्वर है, कामेश्वरी किसे कहा, तो कामेश्वर कामेश्वरी ये दो चीजें जो है कामेश्वर और कामेश्वरी, तो काम जो है पहला तत्व है जिससे संसार पैदा होता है, सृष्टि का मूल बीज काम है, और वो काम जो है वो अच्छे संकल्प के साथ है तो ठीक है, अगर वो उस संकल्प में अगर हम और कुछ गड़बड़ करेंगे तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा, इसलिए काम की निंदा वहां होती है कि जहां काम को हम दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं। किंतु काम जो है उस काम को अब हम कैसे समझें, तो कहते हैं कि तंत्र में इसको इस तरह से समझा गया कि कामेश्वरी जो कहा कामाख्या देवी है, सबसे बड़ी देवी मानी की कि कामाख्या देवी है, नील पर्वत पर वास करती है, उसको काम रूपिणी कहा। श्री यंत्र में हम देखते हैं तो नौ चक्र में काम भी मुख्य माना जाता है। कामदेव जो है उन्होंने भगवती की आराधना की, और उन्होंने भगवती की जब आराधना की तो उनको पंच बाण भगवती ने दिए, पांचों बाण त्रिपुर सुंदरी के हाथ में है, ये पांचों बाण जो है इनको किसे इसे क्या कहा जाए, तो कहा कि पांच हमारे विषय होते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श, हम इन चीजों के पीछे भागते हैं, प्रत्येक जीव इनके पीछे भागता है, वो आता सोता है विषय में क्या है मेरा विषय प्राप्ति हो जाए, बादशाह कहते हैं कि हमें विषय मिल जाए, आंखों का विषय सुंदर सुंदर चीजें मिल जाए, जीभ का विषय सुंदर सुंदर खाना मिल जाए स्वाद मिल जाए, तो रसना का विषय है, तो ऐसे कानों का विषय सुंदर संगीत म्यूजिक हो जाए, तो कलाएं संगीत को प्राप्त करें, तो ऐसे हमारी पांच इंद्रियों के जो पांच विषय हैं वो ही पंच बाण कहलाते हैं, कि ये पांच बाण जो है वो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके पीछे पूरी दुनिया पागल है, यही महामाया के पांच बाण होते हैं जो महामाया ने कामदेव को दिए थे कि ये तुम जब भी तुझ पड़े इन पांच बाणों का प्रयोग करो, तो त्रिपुर सुंदरी के हाथ में महामाया के हाथ में पांच बाण दिए जाते हैं, ये जो पांच बाण ये तन्मात्राएं होगी रूप रस और गंध की तन्मात्राएं, इन्हें पुष्प के रूप में दिखाया उन्होंने कि पुष्प के रूप में फूलों के जो पांच रूप जो है उद्धृत किए गए, तो वो रूप जो हमें उस तन्मात्राओं को समझाते हैं। अब ये बाण चलेंगे किससे, तो बाण चलाने के धनुष चाहिए, तो देवी के हाथ में धनुष है, वो धनुष क्या है, धनुष कहते मन को, धनुष कहते हैं, मन जो है हमारा तरह तरह की कल्पनाएं करता है, हम बहुत कल्पनाएं करते हैं और उस कल्पना से हम खुश भी हो सकते हैं दुखी हो सकते हैं, तो पूरा हमारा काव्य शास्त्र जिस सौंदर्य की बात करता है अलंकार की बात करता है वो सब मन की कल्पनाएं तो हैं, और कल्पना करके कितना खुश हो सकते हैं, तो वो खुश होना चाहिए हमें, जिंदगी जो हमें मिली है उसमें हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम लोगों को दुखी क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम संसार में आए हम राज्य करें, हम राजा बन जाए, हम बड़े बन जाए, हमें कहना चाहिए कि जब सब कुछ उसी का है परमात्मा का,
हम तो केवल इसका हमारे अंदर भी इसी का प्रकाश है तो हमारा कुछ है ही नहीं, इस भावना को कहते हैं। वेदों में कहा उन्होंने कि ये जो भावना है कि इसे काम गीता के नाम से महाभारत में कृष्ण ने प्रस्तुत किया। कृष्ण कहते हैं काम का अर्थ क्या है, तो काम कहते हैं कि जब काम हमें बंधन करता है और काम हमारे बंधन तोड़ भी सकता है। काम का बंधन कब होगा कब नहीं होगा, तो कहते हैं इसको दो अक्षर में समझ लो, इदम न मम, ममेति बद्ध तेजंतुर न ममेति मुच्यते। कि जब व्यक्ति कहे कि ये मेरा है, जैसे आदमी आए संसार में कब्जा करने ले जाए कि ये सब मेरा है, मैं अर्जन करता हूँ, अर्जन करना ही अर्थ है। अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ है कि हम चीजों को इकट्ठी करते जा रहे हैं और उनके मालिक बनते जा रहे हैं, तो जितना हम अर्जन करेंगे उतना ही हम दुखी होंगे। ममेति बद्ध तेजंतु, अर्जन किया तो आपका बंधन हो जाएगा, और उस अर्जन को अगर आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इदम न मम, न ममेति मुच्यते, तो न ममेति कि न ममेति कहते ही आप सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक मंत्र में जब यज्ञ में आहुति दी जाती है इंद्राय स्वाहा, तो कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, जो कुछ संसार में हो रहा है वो परमात्मा शिव जीव के माध्यम से कर रहा है, इसलिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो यज्ञ है। और इसे यज्ञ और महायज्ञ धर्मशास्त्र में मनु में कहते हैं कि ये यज्ञ और महायज्ञ होते हैं, ये हमारे शरीर को ब्राह्मीयम कृते तनु, यज्ञश्च महायज्ञश्च ब्राह्मीयम कृते तनु। तो इस शरीर को हम पवित्र कब बनाएंगे, हम यज्ञ के द्वारा बनाएंगे, और वो पंच यज्ञ बताते हैं उसमें कि हमें देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, ये करने से हमें ज्ञान का यज्ञ है, ऋषियों का यज्ञ है, पितरों का यज्ञ है, और फिर वो कहते हैं मनुष्यों का यज्ञ है और सभी प्राणियों का यज्ञ है, इसको पंच महायज्ञ कहते हैं। तो पंच महायज्ञ की जो अवधारणा है उस पंच महायज्ञ को करने के लिए उनका गृहस्थ आश्रम की जरूरत पड़ेगी, और गृहस्थी ही पांचों आश्रम ये पंच महायज्ञ कर सकता है। और पंच महायज्ञ करने का अर्थ है कि संसार से मैं सब चीज से जुड़ जाऊं, ये पूरा संसार जो उस विष्णु का रचा हुआ है और मैं स्वयं विष्णु हूँ, तो इससे मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा, मैं सबका कल्याण चाहता हूँ, इसलिए मैं देवताओं का सबको मैं देवता मानता हूँ। उन्होंने उस देवताओं की सूची है, उस देवता में उन्होंने देवताओं को तो माना, पिशाचों को, राक्षसों को देवता माना, पेड़ों को देवता माना, नागों को देवता माना, ये सब कुछ देवमय है। तो देवमय का अर्थ है कि संसार की प्रत्येक चीज कल्याणमय है और मंगलमय है, तो इसलिए उनका उसे देवयज्ञ कहा। उन्होंने आहुति हम क्या दे रहे हैं कि अग्नि इंद्र वायु जितने देवता हैं पृथ्वी इन सबको हम पूरी प्रकृति को आहुति देते हैं कि सब देवमय है, तो सब कुछ ही देवता है। फिर वो कहते हैं कि जो हमारी सृष्टि होती है वो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ऋषियों से प्राप्त होता है, तो उसे उन्होंने कहा कि ये ऋषि यज्ञ है, ज्ञान को पढ़ना पढ़ाना। ये दूसरा जो है वो गीता में भगवान कहते हैं कि भी तो ज्ञान यज्ञ जो है वो कहते हैं पंच महायज्ञ में एक तो देव यज्ञ है, एक पितरों का यज्ञ है, एक वो कहते हैं ऋषियों का यज्ञ है, एक मनुष्यों का, जिस मनुष्य मात्र से हमें फायदा हुआ वो सब देवता हैं, इसलिए हम सबके प्रति आभार करते हैं। और जिन जीव जंतुओं से हमें प्रकृति में मिला, गाय से कुत्ते से, उनके लिए भी हम भोजन निकालते हैं कि ये जितने कीड़े मकोड़े हैं इन सबसे मेरे को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, इन सबको मैं जीवित रखूँ और इस प्रकृति से जुड़ूँ। प्रकृति जो है वही शक्ति है, वही माया है, वही मेरी चित्त शक्ति है, उसे इसलिए प्रकृति को चित्त शक्ति को ही प्रकृति कहा गया, उसे ईश्वरी शक्ति कहा गया कि वो ईश्वरी शक्ति हमें संसार से जोड़ती है, और जोड़ करके वो कहती है कि हम इसमें आनंद को प्राप्त करें, और ये सब हमारा कुछ नहीं है, और इन यज्ञ को प्राप्त करने से हम तृप्त होंगे। तो इसलिए गीता में फिर चौथे अध्याय में कहते हैं यज्ञ के 14 भेद किए उन्होंने कि इंद्रिय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, श्वास यज्ञ है, और इस यज्ञों के द्वारा एक परम भावना जो बनती है उस परम भावना के द्वारा कल्याण प्राप्त करते हैं। तंत्रों ने इसको स्पष्ट किया कि श्री चक्र में, श्री यंत्र में जो 9 आवरण है उनमें जो उन्होंने समझाया कि इसमें क्या चीज है, तो उनमें उन्होंने कहा कि इन सब में वो भगवती कैसे विराजमान होती है। जैसे बिंदु है, बिंदु को उन्होंने कहा कि बिंदु इसमें पहले जो चीज है उस बिंदु को उन्होंने कहा कि वो बिंदु जो है उस बिंदु में 3 बिंदु मानते हैं, रक्त बिंदु, श्वेत बिंदु, मिश्र बिंदु। तो रक्त बिंदु जो है वो देवी है, श्वेत बिंदु जो है वो ब्रह्म है, शिव है, शिव और शक्ति, और उनके मिलने से वो बिंदु तीसरे रंग का होगा, तो उसे वो कहते हैं कि वो तीसरा जो वर्ण है इसी को हम 3 तत्व कहते हैं वेदों में, अग्नि, सोम और वायु। मनु कहते हैं अग्नि वायु रवि भस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम, अग्नि वायु रवि ये 3 मूल तत्व होते हैं, और इसी को हमने जब शरीर में देखना शुरू किया तो इस तरह से हम देखें तो संसार में हम जब देखें काम को हम समझें तो काम के 3 रूप से इसके तंत्रों में व्याख्या की गई कि एक तो इसका शाब्दिक स्वरूप है कि काम शब्दों के द्वारा, शब्दों की दुनिया में जो काम है वो किस तरह का है, पूरा साहित्य वाल्मीकि से लेकर कालिदास और आज तक का जो साहित्य संस्कृत साहित्य लिखा गया वो सब इसी बात पर लिखा गया कि हम हमारी जो पहली कामेश्वरी जो है, कामेश्वरी में सरस्वती को कहते हैं, इसी को भुवनेश्वरी कहते हैं,
दुर्गा सप्तशती में कहते हैं उत्तप्त हे मरुतिराम रविचंद्र वन्नीम नेताम सरांकुति भाल सुलम रम्ये भुजे तत्तिम शिव शक्ति रूपाम कामेश्वरीम हृदय भजामि दितेंदुलेखाम, कि हमारे हृदय में जो देवता विराजमान है वही कामदेव है, वही हमारी सरस्वती शिव शक्ति रूपाम कामेश्वरीम, कामेश्वरी जिसे कहते हैं कामाख्या कह रहे हैं वो कौन सी देवी है, तो कहते हैं सरस्वती देवी है, उसी को भुवनेश्वरी भी कहा, समुद्र संसार उसके कामना से बना हुआ है, तो उसे उसको मैं वो कैसी है उत्तप्त है मरुचिराम, वो सोने की तरह उसका रंग है, जिस तरह से वेदों में से हिरण्य पुरुष कहते हैं, वो कहते हैं कि जो विराट पुरुष है वो हिरण्य वर्ण है, नारायण सूक्त उत्तर नारायण सूक्त में वो कहते हैं कि उसको जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रहता, तो उसको जानने के बाद में जो वो कहते हैं कि हिरण्य गर्भ जो पुरुष है, या उसे उन्होंने कहा कि वो हिरण्यमयी देवी है, उत्तप्त है मरुचिराम रविचंद्र वन्नी, उसके तीन नेत्र हैं, एक में सूर्य है, एक में चंद्रमा है और एक में अग्नि है, इन तीन नेत्र वाली है और चार उसके हथियार हैं, वही पास अंकुश, तो दो हथियार मैंने बताए, एक तो उसके बाद में पांच बाण है, धनुष है, एक उसके बाद में जो है मन है, इक्षु जो है इक्षु दंड जो है गन्ने का जो दंड है वो उसको उन्होंने कहा कि मन है, और अंकुश, अंकुश का अर्थ है कि जो हमारी बुद्धि है वो ज्ञान जो हमारा अंकुश होता है, अगर धर्म ज्ञान से नियंत्रित नहीं होगा, विवेक ज्ञान से, ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि कोई भी मतलब साइंटिफिक नॉलेज, वो कहते हैं विवेक ज्ञान, हमें सही गलत का निर्णय लेके उस ज्ञान से, तो हमारा अंकुश है, और एक हाथ में रस्सी है, रस्सी का अर्थ है वो हमारा पास है, हम जितने भी जीव हैं वो सब पास में बंधे हुए पशु हैं, उन पशुओं को मुक्त करने के लिए जो कामेश्वरी की जो आराधना हम करते हैं, तो कामेश्वरी उसी देवी को कहा गया कि जो संसार की परम देवी है, उसी को काम करते हैं, काम का मतलब ये नहीं है कि काम का अर्थ हम जैसा समझ रहे हैं वैसा अर्थ नहीं है, कि कामेश्वरी हृदय भजामि दितेंदुलेखाम, तो वही इंदुलेखा वो ऊपर चंद्रमा की किरणों को ध्यान करती है, तो अग्नि वायु, अब इसको शरीर के अंदर भी हम देखते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें तो हमारे षटचक्र हैं, उन षटचक्र में इन्हीं का ध्यान किया जाता है कि हम तीन कुंडलियां शरीर के अंदर होती है, मूलाधार में जो कुंडलनी होती है एक मूलाधार की कुंडलनी है उसे हम देवी कहते हैं, वहां परावाणी कहा गया, उस परा के ऊपर जो व्याकरण कहेंगे चार तरह के जो है पश्चिमती मध्यमा बेखरी, तो ये इसके तीन रूप हैं, ये तीन रूप हैं वो हम बेखरी को ही बोलते हैं, हम लोग बेखरी को अगर वाणी समझते हैं तो कुछ भी नहीं समझ रहे, क्योंकि मूल वाणी तो परावाणी है, तो परावाणी हमारे वहां रहती है मूलाधार में, हृदय में जो वाणी रहती है उसे कहते हैं कि वो काम रहता है, हृदय में कामनाएं रहती है, वहां जो उसको कहते हैं सूर्य कहा गया, सूर्यमंडल कहा कि सूर्यमंडल है, हृदय में प्रकाश है और हृदय में कामनाएं हैं, उस कामना के द्वारा हम सब सब कुछ हमारा ज्ञान और हमारे कर्म केवल हमारी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, अगर इच्छा हमारी सही होगी तो हमारा ज्ञान और कर्म भी अच्छा रहेगा, तो वो दूसरी जो चीज है उसको कहते हैं वहाँ कामेश्वर हृदय में विराजमान होते हैं, सेव उसको कहेंगे कि वो हमारा सदाशिव है और वो कहेंगे काम है, कामेश्वर तो शेव साक्ष वैष्णव जो भी इसको उसको विष्णु भी कह सकते हैं, तो उनके शब्द केवल वो होते हैं पर उनका अर्थ एक ही होता है कि हृदय में हमारे जो है वो जो भगवान कामेश्वरी विद्यमान है, और फिर वो कहते हैं ऊपर जो तीसरा जो चक्र है जिसको अज्ञात चक्र कहते हैं, उस अज्ञात चक्र के अंदर जो है चंद्रमंडल है और चंद्रमंडल में सुधा मंडल है, तो अग्नि वायु अग्नि सूर्य और सोम ये तीन मंडल हैं, इन तीनों मंडलों को हम सांख्य के त्रिगुण कहते हैं, ये सांख्य के त्रिगुण भी यही कहलाते हैं, मन बुद्धि अहंकार भी यही कहलाते हैं, और वेदांत में इसी को जागृत स्वप्न सुसुप्ति कहते हैं, कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों ही है, तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी यही है, और इसे ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ लोग इसको इन नामों को बदलते रहते हैं, कि कोई कहता ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई कहता कि ये माहेश्वरी है, नहीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती है, तो इनके केवल नाम का भेद होता है, कोई कहता बामा ज्येष्ठा रौद्री है, कोई कहता ज्ञान क्रिया और इच्छा है, ये तीन शक्तियां हैं, ये प्रकृति की प्रधान शक्तियां, इससे महामाया निरूपित होती है, ये तीस शक्ति कहलाती है, और इस तीस शक्ति को जब हम समझें साधना के द्वारा हम इसके प्रति समर्पित हो जाएं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। इस विषय में साहित्य शास्त्र अब जो शास्त्र लिखे गए तंत्र शास्त्र में इसकी साधना बताएगी, साधना तिलक में और सभी शास्त्रों में काम कला विलास में उन्होंने इसको समझाया कि इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमें अपने अंदर ही सब कुछ देख लेना है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्द एक तरह का होता है, शब्दों का जो विकास था व्याकरण में हुआ, व्याकरण शास्त्र इसी पर टिका हुआ है, और दूसरा जो शास्त्र था शब्दों के बाद में कालिदास का जो है, अब कालिदास जैसे मान लीजिए कैसे कोई चीज देख रहे हैं, कालिदास ने एक वर्णन किया, मैं एक श्लोक केवल बोल देता हूँ, तो वो मेघदूत का श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि अपनी जो प्रेयसी है पत्नी उसके बारे में वर्णन करते हैं कि वो कैसी है और उसको किस दृष्टि से देखते हैं, तो कहते हैं कि श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम
गंडत छायाम सस्तिनि शिखिनाम बर्रभारेषु केशान उत्पश्यामि नदीपतनसु बीचिसु भ्रूबिलासान हन्ते कस्तम क्वचित पिन्ते भीरुषादिश्यमस्ति। वो कहते हैं कि मेरी जो प्रेयसी है उसके बराबर कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है। उसका भाव देखिए क्या है कि वो कहता है कि कालिदास के शब्द देखिए, कालिदास कैसे सुंदर शब्द प्रयोग करें कि उसके बराबर कुछ भी नहीं है। संसार के जितने भी युवा स्त्रियां हैं उसमें उसके अंग तो दिखते हैं, वो नहीं दिखती। मतलब मेरी प्रेयसी का मैं किससे तुलना करूं, तो कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। वो कहते हैं श्यामा संगम चकित हरिणी, जब हरिणी को देखता हूँ तो हिरणी के अंदर हरिणी के जो नेत्र हैं उसमें उसकी नेत्र दिखते हैं मुझे। जब मैं नदी की लताओं नदी में जो भंवर घूमते हैं तो उसमें उसके आंखों का भूविलास देखता हूँ और सब कुछ मैं देखता हूँ, पर उसकी जैसी चीज कहीं दुनिया में दूसरी नहीं है। तो ये जो प्रेम का भाव है, ये प्रेम का भाव कहाँ से आया? ये काम से आया कि उसको क्या वो दिख रही है जो उसकी प्रेयसी है। तो काम हमें इस तरह से कहता है कि उस भाव को हमने कितना दिव्य भाव देखा, शरीर का दिव्य भाव हमने देखा, शरीर में हमने समस्त ब्रह्मांड कल्पित कर लिया और समस्त ब्रह्मांड को हमने शरीर में षट चक्र के द्वारा देखा या यंत्र के द्वारा देखा। तो उसमें हमने ये माना कि एक शब्द जगत है और वो कालिदास के शब्द अमर हो गए, मेघदूत को लोग अमर मानते हैं कि उसने जो वर्णन कर दिया उसके जो शब्द हैं वो एक तरह से श्रृंगार श्रृंगार कहलाता है। तो श्रृंगार में जब अष्ट श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार के आठ श्रृंगार को मतलब ये माने रस जो है वो रस रस को प्राप्त करने के लिए साहित्य शास्त्र के लोगों ने अपना काम किया। तो सभी जो शास्त्र हमारे अलग अलग बने पर उन सबका लक्ष्य अपनी अपनी दृष्टि से व्याख्या करना रहा और सभी रास्तों को हम सही मान रहे हैं। और उन्होंने कहा कि श्रृंगार हास्य करुण रुद्र वीर भयानका विभत्स अस्बुद, ये आठ रस कहलाते हैं। इसके साथ में इनका भाव क्या, तो रति हास्यस्त शोकस्य क्रोधोत्साहम भयम तथा, कि रति जो है वो काम का भाव है, काम की पत्नी जो रति है। तो उन्होंने शब्दों में इनको भावों को निर्मित किया कि हमारे आठ तरह के भाव हैं और नौवां जो भाव है शांत रस निर्वेद भाव है। तो ये जो आठ नौ रस हैं इसे तंत्र में क्या कहा गया, इन्हें उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो नौ रस हैं इनको अष्ट जो तंत्र की पहला जब श्रीयंत्र में हम पहले आवरण में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं अणिमादि जो सिद्धियाँ हैं, योग में इन्हें सिद्धि कहा गया अणिमा महिमा लघिमा। पर उन्होंने कहा कि ये जो भाव श्रृंगार जो नौ रस हैं ये नौ रस और नियति ये दस रस जो हैं यही हमारी सिद्धियाँ हैं। तो साहित्य की सिद्धि में वो रस कहलाते हैं कि वो रस हैं और मनुष्य के जीवन के जो नौ भाव हैं श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक और बत्सल और जोड़ लीजिए तो ये सब भाव एक ही उस काम तत्व की व्याख्या है। भोजराज ऐसा कर जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय का ध्यान है इसलिए मैं अपनी बात हो गया। तो मैं इस तरह से वहाँ जो काम का रूप अलग है और ये बात बहुत लंबी है, एक पुरुषार्थ पर भी काफी समय चाहिए, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में ये जो बातें थी मैंने आपके सामने कुछ बातें बताई और इन बातों का केवल आशय इतना ही था कि काम को हम केवल वो काम के कई रूप होते हैं, ऐसे अर्थ के भी कई रूप होते हैं। अर्थ केवल अनर्थ ही नहीं करता, अर्थ अच्छा भी करता है, हर चीज अच्छी बुरी हो सकती है। तो ये हमारी जो दृष्टि है वैदिक दृष्टि, इसमें हम उसके अच्छे पक्ष को जानते हैं और वो हमारे लिए मंगलमय हो। हम उसको एक तरह से व्यापार के रूप में नहीं लेते कि धन कमाने के लिए हमने नहीं ले, ये इसका जो निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष मैंने आपको कुछ समझाया या मैं जो समझ रहा था इस पर आप विचार करें और इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसी के तहत मेरे को आपने ये अवसर दिया, इस सबके लिए धन्यवाद और जितने भी लोगों सबको मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे आयाम जो हैं वो हमारे सामने रखे, साहित्य शास्त्र तंत्र जिसमें लोगों की अक्सर गति नहीं होती और वैदिक उद्धरण भी आपने हमें दिए और पौराणिक यात्रा भी आपने हमें करवाई। तो हालांकि ये विषय बहुत व्यापक है और आपने जो है हमें इसके कई आयामों से परिचित कराया है, तो मैं समझता हूँ कि अब समय है कि हम इस विषय पे थोड़ी चर्चा आरंभ करें और विभिन्न विद्वानों के उनके जो हैं वो इस पे जो उनकी राय है, उनकी जो विद्वत्ता है या प्रश्न है या जिज्ञासाएं हैं उसको हम स्वीकार करें, ग्रहण करें। तो सबसे पहले तो डॉक्टर चितरंजन जी हमारे साथ हैं तो उनकी ही बात हम लेते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का बहुत ही आभार व्यक्तता हूँ कि इतना विस्तृत विषय उन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया और ये जो विषय है इतना गंभीर है क्योंकि यहाँ मर्यादा और सौंदर्य जो लिखा है उसको तो हम समझ नहीं रहे हैं और विकृतियों की ओर बढ़ गया है और उन विकृतियों से दूर करने का एकमात्र उपाय है कि खुली चर्चा हो। जो हमारा ये बंद
एक बन गया कि आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में, ये स्थिति हो गई है और स्कूलों तक ये विकृति पहुंच गई है। जो काम बहुत ही ऊर्जा संपन्न, आनंद देने वाला, प्यार बढ़ाने वाला, योग की ओर ले जाने वाला, यदि उसको हम मर्यादित रखते हैं, उसको हम सौंदर्य की दृष्टि से समझते हैं, अपनाते हैं, तो ये खुली चर्चा करने के लिए तो अंगिरस जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते ही हैं। और ये चर्चा विस्तृत होनी चाहिए और खुले रूप से होनी चाहिए। देखिए, संभोग से समाधि, इस सच्चाई को समाज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जीवन के अंदर जो काम की प्रमुखता है ना, वो इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि यदि हम उसको मर्यादित नहीं करेंगे, उसको सौंदर्य की दृष्टि से चैनलाइज नहीं करेंगे, तो विकार होना ही होना है। लोग पहले मदन उत्सव मनाया करते थे, होली का उत्सव मनाया करते थे, प्यार से और मर्यादित रूप से, और उसका पूरा जो काम शक्ति थी उसका पूरा का पूरा दोहन करते थे, ऊर्जा भर लेते थे अपने जीवन के अंदर, समाज के अंदर आने वाले समय तक के लिए। और धर्मा विरुद्धो का मौसमी की अनुभूति होती थी, और कितना हमारा गृहस्थ जीवन आनंद पूर्ण था, संतुष्टि पूर्ण था, चैन की नींद आती थी। और जो सौभाग्य से इस संस्कृति से जुड़े रहे वो आज भी आनंदित है, उन्हें निराशा का कोई मालूम नहीं है, किंतु अपने शास्त्रों के उस दिव्य विचार को जिस दृष्टि से आपने समझाया, ऐसे सुनने सुनाने का मौका ही कहां मिलता है। तो युवा पीढ़ी अधिक से अधिक जुड़े और अधिक से अधिक खुले रूप से चर्चा हो। तो 14 फरवरी याद रहेगा बच्चों को सिर्फ, और उसमें वो फिर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या गुल खिलाते हैं, आप सब हम जानते हैं। तो ये मुझे बड़ी ही खुशी हुई, और मैं इसलिए धन्यवाद पहले कर दूं, और मुझे थोड़ा एक दो गतिविधि में और जाना है, तो मैंने इसलिए हाथ खड़ा कर दिया और आपने वसूल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर। इसके बाद विशुद्धि फिल्म्स से हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया। उसके बाद अविनाश जी से भी मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। जी, आप अपना परिचय दे देंगे जी, विशुद्धि फिल्म जी। नमस्कार, मैं दीपिका कोठारी हूँ, और आपसे तो मेरा परिचय है, और हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी से मैं बहुत चर्चा करती रहती हूँ कई विषयों पर, और वो हमारी कई समस्याएं आती हैं तो उनका निराकरण प्रोफेसर शर्मा साहब करते रहते हैं समय समय पर। इसमें एक खास बात ये है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं, वैसे मेरा विषय फिजिक्स रहा है, तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो खजुराहो के वैकुंठ विष्णु मंदिर पर है। तो हमने भारत के बहुत सारे प्राचीन मंदिरों आदि की यात्राएं की हैं, और विदेशों में भी कई जगह पर जाकर फिल्माया है म्यूजियम्स वगैरह में। एक खास बात जो हमें नजर आई वो ये है कि जब भी हमने स्त्री रूप को दर्शाया है तो बहुत सुंदर रूप में दर्शाया, इतना सुंदर दर्शाया है कि शायद विदेश की कोई कला उसका मुकाबला नहीं कर सकती। खजुराहो की अधिकांश मूर्तियों में जब स्त्री के विभिन्न क्रियाकलापों को दिखाया गया है तो बहुत कामुकता से दिखाया गया है, वे उनकी आंखें लगभग बंद हैं या अर्ध खुली हैं। तो ये दो बातें जो आपने टॉपिक में रखी हैं, मर्यादा और सौंदर्य, तो वो जो सौंदर्य है वो हमेशा अंतरलक्षित लगता है, और वो एकदम ध्यानस्थ मूर्तियां भी हैं सारी के सारी, लेकिन इनको गहराई से देखने पर ही हमें पता लगेगा, वरना तो हम सब वो जो ऊपरी रूप है और जो आधा वस्त्र नहीं पहने हुए हैं तो वो एक बहुत कामुकता से अलग एक विकृति रूप में हमें नजर आता है। तो ये जो बात है इसको ना तो गाइड्स इसको ठीक से बता पाते हैं कि ये क्या है, और वो सब ज्यादातर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं गाइड्स वगैरह वहां पर जगहों पर, तो वो भी इन्हीं चीजों को ज्यादा बताते हैं।
लेकिन उसके पीछे जो अभी आपने समझाया कि सौंदर्य है उसमें मर्यादा है और वो जीवन का पुरुषार्थ इसमें निहित है, तो हर मूर्ति में वो यूं के यूं लक्षित होता है। ये बात जो है वो हम सबको, नेक्स्ट जेनरेशन को, इवन आवर ओन जेनरेशन, इन सबको जाननी चाहिए। और जो खुली चर्चा की बात कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, हम अपनी फिल्म के माध्यम से इसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशंस हैं संस्कृत साहित्य में और सब में। पर आई थिंक ये एक पॉइंट था जो मैं बताना चाहती थी। और जो कालिदास का जो श्लोक है वो मैं प्रोफेसर शर्मा से फिर से पूछूंगी आपको कि वो क्या सुंदर सा श्लोक था। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत आनंद आया, मैं आपके वीडियोस देखती रहती हूँ। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अगर आप इस बात को थोड़ा सा और देखें तो जितने भी मंदिर हैं उनके बाहर की मूर्तियां और जो भीतर सेंक्टम सेंटोरियम में जो है उस मूर्ति को देखें तो ये सारी एक यात्रा करने का तरीका है कि कैसे काम का रूपांतरण हो। केवल वो मर्यादा और सौंदर्य ही नहीं है, वो सौंदर्य में रूपांतरित कैसे हो, मुझे लगता है ये मूल प्रश्न है और इसी के लिए सारे के सारे मंदिर और ये सारे प्रयास हैं। तो लेकिन अभी इस पे विषय पे फिर दोबारा चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं और दिलीप जी भी हमारे साथ हैं। जो भी आप में से अपनी बात रखना चाहता है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपना अविनाश जी, अगर आप जुड़े हैं तो जरूर बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से एक जरूर उसमें टिप्पणी ऐड करें। आशुतोष जी, जी सर, जो मेरे से पहले वक्ता हैं यदि वो अपनी बात कहें तो बेहतर होगा। जी, मैं जी, बाद में सबसे बाद में अपनी बात कहना चाहूंगा। ओके ओके, और किसी के कोई वक्तव्य है? मैं अविनाश जी से विशेष रूप से यह चाह रहा था। रमेश वर्मा जी, जी सर, मेरी अपनी उपस्थिति काफी हद तक आउटसाइडर के तौर पर ही है क्योंकि आई एम मैन ऑफ फिजिक्स, सारी जिंदगी फिजिक्स करते करते कई बार लगता है बहुत कुछ खो भी दिया। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, इतने गहन और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इशू के कितने डिमेंशन उन्होंने खोल दिए हैं कि जिज्ञासुओं के लिए एक नई धारा को स्टार्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिर भी दो तीन चीजें मेरे मन में थी कि एक तो ये था कि हम अभी जैसे इन्होंने बात की, जब हम देख भी रहे हैं आपके पहले ही चित्र के भगवान शंकर ने, उनका नाम ही कामारी है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो बहुत गहरी सिंबलिज्म के तौर पर शिव परिवार को मनुष्य शरीर में ही स्थान दिया है, जैसे आपने भी बोला है कि कुंडलिनी शक्ति का स्थान, मात्रा का स्थान जो मूलधार चक्र है और विशुद्ध में भगवान शंकर का है, तो पहली चेष्टा यदि हम संसार मार्ग से प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं होगी, सफल नहीं होगी। तो काम के माध्यम से शायद हम वहां ना पहुंच पाएंगे, हमें योग मार्ग पर जाना ही पड़ेगा। और सवाल ये उठता है कि इस योग मार्ग पर फिर चला कैसे जाए, काम को क्या बिल्कुल मना कर दिया गया है, एक तो ये मेरा छोटा सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम कहीं कहीं, क्योंकि गीताएं बहुत है, मेरे को पूरा नहीं अंदाजा है, उसमें काम गीता का वर्णन भी कहीं आता है। जी जी, इन दो चीजों के बारे में मैं चाहूंगा राजेंद्र प्रसाद जी कुछ। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम एक प्रश्न और ले लेते हैं। विनय कुमार उपाध्याय जी। सभी विद्वानों को मेरा सादर नमस्कार। मैं काम के संदर्भ में जो आचार्य रजनीश हैं, ओशो की उक्ति है कि संभोग से समाधि तक प्रसिद्ध, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काम को साधना के लिए, तपश्चर्या के लिए बाधक माना गया। हमारे शास्त्र में जो वर्णन किया गया कि काम, और जो ब्रह्मचर्य शब्द है वो काम का विपरीत अर्थक है या दूसरे अर्थ में लिया गया है। और जैसे कालिदास का रघुवंशम में बहुत सुंदर वो श्लोक है, त्यागाय संभृतार्था नाम सत्याय मितुहाषी नाम यशसे नाम प्रजायै गृह मेधिना। इस संदर्भ में और जैसे बौद्ध धर्म की आप चर्चा कर रहे थे, तो बौद्ध धर्म में जो पंचशील है उसमें ब्रह्मचर्य का समावेश किया गया है जी। और जो
गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया उसमें भी उनकी वही धारणा थी कि हम लोग गृहस्थ में रहकर अपने समाधि तक नहीं जा सकते, कैवल्य या निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकते। तो काम मानव जीवन के साधना में बाधक है क्या, मैं यह जानना चाह रहा था, और ब्रह्मचर्य शब्द उसका भी सार्थक है क्या? धन्यवाद जी। वैसे इस पक्ष को जो है धर्म शास्त्रों ने बहुत अलग तरीके से लिया है। वो इस काम को जो है वो जो गृहस्थ काम है, उचित समय पे जो ये काम के व्यवस्थाएं हैं, अगर आप उनको देखेंगे मनुस्मृति याज्ञवल्क स्मृतियों में, तो वो बड़ा एक पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट सामने रखते हैं, और उससे जो है वो रूपांतरण की प्रक्रिया ही एक तरह से है वो तो। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब इस विषय पे अपनी टिप्पणी रखेंगे। और कोई सज्जन अपनी बात रखना चाहते हो, अपनी बात कहना चाहते हो? अविनाश जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से एक टिप्पणी आवश्यक है, क्योंकि बुद्ध ने मार को पराजित किया ऐसा जो कथानक है और अपनी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप, मैं जरूर चाहूंगा एक संक्षिप्त टिप्पणी जो है रखें, और उसके बाद फिर गुप्ता जी। ये जब काम एक पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह हमारे जीवन की एक यथार्थता है, और इसे सुंदरतम ढंग से सुंदरतम रूप में इसकी प्रस्तुति आवश्यक है पूरे जीवन में, इसका अनुपालन भी अपेक्षित है पूरे जीवन में। जब वह अति की ओर प्रविष्ट हो जाता है तो भले ही विनाशकारी हो जाए और हमें नीचे की ओर ले जाता हो, लेकिन जब सम्यक रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि काम एक पुरुषार्थ के रूप में आवश्यक है, क्योंकि एक ओर तो यह हमारे मन को एक ऊर्जा प्रदान करता है नित्य नूतन अन्वेषण के लिए, और दूसरे विश्व की यात्रा को भी आगे बढ़ाने के लिए भी काम आवश्यक है। असुविधाजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम उसका अति का प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं, और इस दृष्टि से जब हम देखें तो बौद्ध धर्म दर्शन में दो एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, उसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। और मध्यम मार्ग का तात्पर्य यह होता है कि हम किसी चीज में हमारा इंटेलिजेंस इतना अधिक ना हो जाए कि हम विनष्ट हो जाएं, और हम इतने जो है अपने आप को संवरित ना कर दें कि हमारे आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। क्योंकि संपूर्ण विश्व में, माने संपूर्ण जगत में, इस लौकिक जगत में काम को एक दूसरे दृष्टि से सदा से देखा जाता रहा है। इस कारण ही अभी एक सज्जन ने बताया कि पंचशील की बात कही है, इस कारण ही बौद्ध धर्म दर्शन में भी पंचशील के क्रम में अनेक प्रकार की बातें की गई है, जिसमें इंद्रिय निग्रह की भी बात की गई है। लेकिन वह बात तब उत्पन्न होती है जब हम साधना के पथ पर जाते हैं, और साधना पथ पर जाने के क्रम में जो हमारे मन में काम के प्रति विचाल्य उत्पन्न होता है, उसे रोकने की बात, उसको संवरित करने की बात, उसको दमित करने की बात तब कही जाती है, हर समय इसकी बात नहीं कही जाती है। इसलिए बुद्ध ने दो प्रकार के ये दिए, एक अर्य पर्य से सूत्र कहा है कि किस प्रकार आर्यजन माने जो प्रगति के पथ पर साधना के पथ पर है तो उनका कैसे हम संवरण कर सकते हैं, और दूसरा है अनार्य परिवचन पर्यसन सूत्र, वह किस प्रकार की योजना करते हैं। अनार्य का अर्थ हुआ कि जो आर्य पथ पर ना जाकर कि गृहस्थ के रूप में अपने समस्त कार्यों का संपादन करते हैं, उनके लिए जो शील का है कामेशु मिच्छाचार का जो निग्रह करने की वो बात करते हैं, वो कामेशु मिच्छाचार का निग्रह तभी संपन्न हो सकता है जब हम साधना पथ पर हैं, और हमारे ऊपर हमारे मन जो, बिकॉज वो गीता भी कहती है इंद्रियाणां हि चरन्ता येन मनोनुविधीयते तदस्य हरन्ति प्रज्ञा वायुर्नाविवाम्बिसि, और ये भी कहते हैं फंदनम चपलं चित्तं दुरुख दुर्निवार्यं उजु करोति मेधावी उसु कार्यो विशेषनम। तो ये हमारे मन को निग्रह करने में यह लौकिक कार्य अत्यंत ही बाधा उत्पन्न करते हैं, और इसके लिए वे मार की भी संज्ञा देते हैं। और अभी आपने जो चित्र वहां पर उपस्थापित किया है, वहां देख रहे हैं कि बुद्ध अपने कार्य में रत है, माने साधना में रत है, और उनके अंदर मनोविक्षोभ
पैदा करने के लिए अनेक प्रकार के मार ने अनेक प्रकार की सुंदर स्त्रियों को वहां उपस्थापित किए। तो वहां पर उनका इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य अपने मन को विचलित न होने होने वाली मन की उन उद्दाम प्रवृत्तियों को संवरित करने से है। और अनार्य पर्यवेशन सूत्र में वह उसे एक सम्यक रूप में अर्थात मध्यम मार्ग में प्रविष्ट करने की माने स्थिति है कि अगर हम सारे लोग बुद्ध बन जाएं तो संसार ही विनष्ट हो जाएगा। इसकी संतति को आगे बढ़ाने के लिए अनार्य परिवेशन सूत्र में उन्होंने इसे समित करने की बात कही है, मध्यम मार्ग में लाने की बात कही है। और जब हम साधना पथ पर चले जाते हैं तो कामेशु मिच्छाचार पर पूर्ण संग्रह नियंत्रण करने की बात कही गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः राजेंद्र प्रसाद जी को नमन करता हूं जिन्होंने अपने सम्यक आख्यान से हम लोगों को अप्लावित किया है। जी धन्यवाद सर। दिलीप मेहता जी, दिलीप जी अपने को अनम्यूट कर लें। दिलीप जी अनम्यूट कर लें। नहीं अनम्यूट नहीं हुए आप। नीचे माइक के निशान पे क्लिक कर दीजिए। जब तक दिलीप जी अपनी अपने को अनम्यूट करते हैं तब तक। हाँ जी दिलीप हो गए आप? हाँ जी सर। हाँ जी जी प्लीज अपनी बात कहें। मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप बहुत बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं जिसके मैं जिसके आगे कहीं भी कहीं नहीं ठहरता क्योंकि आप लोग संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो जो मैं अभी तक सुन रहा हूँ सबको जितने लोगों को मैंने सुना है तो जब क्योंकि ये हम बात करते हैं ऐसे हमने बुद्ध की बात की या भगवान शिव की बात की तो ये लोग भी भगवान के उसमें अपनी जो भी उन्होंने अपना सिस्टम बनाया था वो आए और उन्होंने अपना अपना सारा कुछ बताया और वो लोग इस दुनिया से चले गए। तो मेरा कहने का मतलब है अगर हम बात प्रेजेंट की करें हम अपने ऊपर ये बात लेके चलें तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि हम ये उन्होंने क्या कहा वो क्या कहते हैं और क्या होता है क्या होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि जैसे अभी बात चल रही थी काम की तो ये तो मन का वश है ये सर जी, क्योंकि हमेशा कोई भी गलत काम होगा या अच्छा काम होगा मन करेगा, शरीर तो उसका एक साधन बनता है जी। अगर हमारी कहीं गलत नजर जाती है तो वो पर स्त्री पर जाती है। अगर हम अपनी सिस्टर के साथ बैठे या अपनी मदर के साथ बैठे तो हमारे मन के अंदर कभी भी ऐसा विचार नहीं आएगा जी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे मन को कंट्रोल करना हमें चाहिए, मन से ही सारा कुछ होता है। तो जैसे एक बात हुई योग की, मैंने अभी सुना कि योग की कुछ बात हो रही थी, योग और भोग जो मेरा मानना है योग और भोग दो अलग अलग दिशाएं हैं या दो अलग अलग रास्ते हैं जो कि एक एक तरफ जाता है एक एक तरफ जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है अगर किसी आप टारगेट को उसको मान के टारगेट मान के किसी चीज को मान लो अगर किसी ने कोई जो पुराने जमाने में हुआ करता था कि पुत्र प्राप्ति के लिए पहले तप किया है तो तप करने के बाद जब वो इंसान भोग करता था पुत्र प्राप्ति होती थी। इसका मतलब यह कि हम किसी भी टारगेट मान के किसी चीज को अगर हम भोग भी करते तो वो योग ही कहलाता है मेरे हिसाब से जी जी जी। लेकिन उसका मानना है कि कंट्रोल इंसान का कंट्रोल हमेशा अपने मन से ही करना पड़ेगा बजाय कि हमें कि किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा। जब पहले हम अपने आप पर लेके चलेंगे तो हम मुझे मेरा मानना यह है कि हमें कंट्रोल अपने मन से करना पड़ेगा। और अगर साधना की बात जो हुई थी साधना का भी अगर जो हम बात करें तो साधना का मेरा जो मानना है कि साधना करने का या भक्ति करने का या मन को कंट्रोल करने का जो स्टार्टिंग का सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है मेरे हिसाब से वो टाइम है 1 से 3 बजे तक का। तो उसके अंदर इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो उसके अंदर जो भी है कि मैं आप लोगों को अभी और सुनूंगा और आपसे ज्ञान जो मुझे मिलेगा मैं उसे ग्रहण करूंगा जी। धन्यवाद नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र जी
एक बात डॉक्टर साहब, एक शब्द बीच में और रह गया था, हालांकि मैंने वो स्लाइड में डाला हुआ था, वो था हार्मोन्स। ये हार्मोन्स के जो एक रिस्पॉन्सेस रहते हैं उसको भी हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए जब हम काम की बात कर रहे हैं। लेकिन वो अभी बात बीच में रह गई और उस तरफ मैं अभी जाना नहीं चाह रहा, उसको फिर हम टेकअप करेंगे। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दत्त जी, मैं इसमें आपने हार्मोन वाली जो बात रखी है शुरुआत वही से ही करता हूँ, आपने संकेत ऐसा है कि हमारे ग्रंथों में अधिजनन शास्त्र करके ग्रंथ है जिसमें महाभारत कालीन कुछ जानकारियां हैं और गुजरात में इस पे बड़ा काम हुआ है पुनरुत्थान विद्यापीठ ने, तो उनका एक 5 वॉल्यूम का सेट है जिसमें वो ये बताते हैं कि एक बालक जब जन्म लेता है तो अपने पिता की तरफ से 14 पीढ़ी के संस्कार उसमें आते हैं और अपनी मैटरनल साइड से माता की तरफ से 5 पीढ़ी के संस्कार आते हैं। अभी तो बात क्योंकि लंबा विषय हो जाएगा वो अलग चर्चा का विषय, केवल इतनी बात, फ्रायड ने इस पे बड़ा काम किया है और मनोविज्ञान की परिभाषा जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंटरनल मेंटल प्रोसेस और एक्सटर्नल एक्टिविटी, इन दोनों को मिला के जो हमारा व्यवहार बनता है, फ्रायड ने थ्योरी ऑफ माइंड में इड ईगो सुपर ईगो की बात की है। लेकिन हमारे शास्त्रों में बड़ा अच्छा मन को परिभाषित किया गया कि मन का कार्य जो है वो संकल्प और विकल्प उठाना है, जो इंटेलिजेंस है बुद्धि है उसका कार्य है निर्णय लेना जी। काम जो है वो वास्तव में जिसको बोलते हैं वो एक ऊर्जा है और ऊर्जा जो है वो उसको मुझे लग रहा है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसको समझाना पड़ेगा कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे किया जाए, ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है क्योंकि वहीं से सारा जो है गड़बड़ होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी ये पक्ष भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है सामने आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को समझते हैं लेकिन युवाओं के लिए मुझे लग रहा है ये है क्योंकि वो किस दिशा में कहाँ जाना है, ऊर्जा है वो रुक नहीं सकती लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ये क्या विधि हो सकती है उस बारे में थोड़ा सा। काम के रूपांतरण की तो बहुत एक बड़ी जो है वो चर्चा का विषय है और उसको हमें उपाय भी देखने चाहिए और ये चर्चा है भी इसीलिए कि उस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या हो, लेकिन वो अभी समय है उसके लिए। तो खैर एनीवे, हमारे साथ डॉक्टर इंदु जी जुड़े हुए हैं और उसके बाद डॉक्टर रविंद्र जी और फिर जो है वो अंत में टिप्पणी लेंगे। मैडम इंदु। सर नमस्कार, सभी को नमन है। सर ने बहुत अच्छा सा बताया, उसके लिए आभारी है जो देवी के रूप बताया उन्होंने, त्रिनेत्र वाली, और बहुत गहन विषय था वो, उसको समझना भी वास्तव में बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे अभी इसमें जो ये चल रहा है इसका आज का टॉपिक है, वैदिक युग में तो इसका बहुत ही स्त्री प्रधान था, वैदिक युग में ये स्त्री ही ना अपना निर्णय खुद करती थी, वरण करती थी अपने जीवन साथी को और संतान उत्पत्ति के लिए भी वो विवाह के उपरांत अपनी मर्जी से वरण करती थी, ऐसा कहीं पढ़ने में आया मुझे। और उस समय तक ये एक, और उस समय तो जाति प्रथा भी नहीं थी और एक वही था कर्म के आधार पर व्यक्ति बदलता जा रहा था। उसके बाद वो जब ये धर्म शास्त्र आया और रामायण युग में भी देखा कि सीता के लिए हवन वो हुआ स्वयंवर, लेकिन सीता के लिए स्वयंवर था उसको पता नहीं था, अगर यदि कोई और धनुष तोड़ लेता तो उनको वही स्वीकारना पड़ता, तो यहाँ मैं स्वेच्छा नहीं मानती सीता की। और ऐसे ही महाभारत युग में हुआ जो वहां पर तो स्त्रियों को जीत कर भी लाया गया और उनका पतन भी हुआ, ये पतन और विकृतियां देखी गई और इसके साथ शास्त्र भी बदलते गए मैंने देखा, स्मृतियां आई वहां पर, जबकि ये धर्म के अनुरूप एक संस्कार था और जब शायद पृथ्वी पर संततियां कब होगी मैं ऐसा मानती हूँ, तब उन्होंने एक धर्म के अनुरूप इस संस्कार को निर्धारित किया होगा, लेकिन वो सब बदलती गई विकृतियां और आज तो पराकाष्ठा है इन विकृतियों का, है ना। तो ये एक रूप देखने में जो धर्मशास्त्र में भी बताया गया है, धर्मशास्त्र में भी जो स्त्रियां थी उनके लिए बहुत प्रतिबंध और नियम निर्धारित हो गए थे, वैसे फिर भी उसमें धर्म के अनुरूप ही उसका निवारण पालन करना है। और वैसे मेरी दृष्टि में ये काम पुरुषार्थ, मेरे हिसाब से आदमी का खुद का पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के बल पे वो समाज को प्रकृति को क्या दे रहा है क्या प्रस्तुत कर रहा है, मेरी दृष्टिकोण में काम वो चीज है जो पुरुषार्थ को पुरुष के रूप में, पुरुष
को एक पुरुषार्थ करने के बाद पुरुष बनाती है ना, और सृष्टि के अंदर एक बेहतर चीज उसको प्रस्तुत करने का अवसर देती है। चाहे ये स्त्री के अंदर भी पुरुषार्थ हो सकता है और पुरुष के अंदर भी पुरुषार्थ हो सकता है, जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। ये बुद्धि सबकी बराबर है, शारीरिक क्षमता अलग अलग है कि एक बच्चा पालने में सो सकता है, एक युवा पुरुष उसको गोद में उठा के भी ले सकता है, और इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसको बांट दिया गया है। मैं तो मेरा दृष्टिकोण तो यही था। और एक एक प्रश्न की मेरी जिज्ञासा थी, जो अभी भागवत गीता के अनुसार बताया कि, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भागवत गीता में सब जगह एक ही जैसा वर्णन होता है या हर भागवत गीता में अलग अलग वर्णन होता है। कई बार ये भी बना वो हो जाता है कि हम कितनी पुस्तकें पढ़ें। जी धन्यवाद। ठीक है जी। डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की संक्षिप्त टिप्पणी। धन्यवाद आशुतोष जी। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आज के मुख्य वक्ता राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन्होंने अपने नाम के अनुरूप आज हमें अपने ज्ञान से हमारे ज्ञान में वृद्धि की है। क्योंकि राजेंद्र का अर्थ यही होता है कि जो अपनी इंद्रियों पर राज करे, उसे कहते हैं राजेंद्र। और आपने प्रारंभ किया था भगवद गीता से, मैं अपनी बात कहने से पहले एक अपनी सीमा बता देता हूं कि मेरा विषय तो राजनीति विज्ञान रहा है, संस्कृत नहीं रहा। दूसरा, ना ही मेरे को किन्हीं सांस्कृतिक साहित्य का कोई ज्यादा अध्ययन है। थोड़ा बहुत विद्यार्थी हूं तो भगवद गीता का हूं, उसको ही मैंने समझने का प्रयास किया है। अपनी बात कहने से पहले अभी एक प्रश्न आया था कि क्या काम साधना जीवन में बाधक है, तो भगवद गीता के अनुसार इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। आज की पूरी परिचर्चा में यदि आप देखें, मैं दो तीन बातें कहना चाह रहा हूं आपसे भगवद गीता के अनुसार। जो काम शब्द है उसकी उत्पत्ति आसक्ति से है, और उसका अर्थ है कामना से। और आशुतोष जी आपने भी एक शब्द बोला था संकल्प। भगवद गीता यही कहती है कि संकल्प रहित होकर काम करें। भगवत आज की पूरी परिचर्चा में, क्योंकि बीच में एक दो मित्र आगे थे, मैं पूरा सुन नहीं पाया था इसलिए मैं कह नहीं सकता। काम का भगवत गीता में एक दूसरा स्वरूप भी है जिसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया है, वह है निष्काम भाव। सकाम भाव के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है, और सामान्य जीवन में हमने कामना का अर्थ भी जो है मुख्य रूप से केवल सेक्सुअल डिजायर को ले लिया है, जो कि भगवत गीता में काम का अर्थ कामना से है। जी जी। और इसलिए इसका निषेध भी इसलिए किया कि निष्काम भाव से आप काम करें। तो ये सार तत्व है भगवत गीता का। जैसे राजेंद्र जी ने कहा भी था कि काम निग्रह के साधन बताते हुए यज्ञ, तप और दान, ये तीनों के तीनों लोक संग्रह से जुड़े हुए हैं। ये तीनों के तीनों सर्वभूतेषु कल्याण से जुड़े हुए हैं। यदि आप अपना पुरुषार्थ निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं लगाते, तो आप स्वाभाविक रूप से फिर आपके जीवन में साधना समय आ जाएगी। उसके लिए मुझे कोई सवेरे 1 बजे या 2 बजे 4 बजे उठकर भगवत प्राप्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जी। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने एक प्रश्न भी कर दिया था कि ये भगवान, जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे घोर कर्म की ओर क्यों धकेल रहे हैं। तो काम को कर्म की दृष्टि यदि आप देखेंगे, जो कि भगवद गीता का मूल मंत्र भी कह सकते हैं आप, तो काम को हमें समझने के लिए इसको हमें कर्तव्य की ओर भी ले जाना होगा। हमें इसको निष्काम भाव के दृष्टिकोण से भी देखना होगा। और अभी एक प्रश्न हो रहा था कि भगवत गीता कितनी है। भगवत गीता तो एक ही है, उसके ऊपर अलग अलग लोगों की टिप्पणियां हैं, कमेंट्रीज हैं, और वर्तमान में तो बहुत काम हो रहा है भगवत गीता पर। तो इसलिए ये जो विषय बहुत लंबा हो जाएगा विस्तृत, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं।
मैं बात करने लगा तो एक वेबिनार और आपको करना पड़ेगा अर्शतोर जी। तो मेरा संक्षेप में केवल इतना कहना है कि जब हम काम को समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हमें कामना के साथ साथ पुरुषार्थ और पुरुषार्थ में भी हमें सकाम और निष्काम भाव में अंतर को समझते हुए इसको विश्लेषण करना होगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्चुअली वो जो पूछना चाह रही थी मैडम वो था कि गीता कितनी है। भगवत गीता तो एक है लेकिन महाभारत में 30 से ऊपर गीताएं हैं अलग अलग, तो इस संदर्भ में थी। लेकिन मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राज, किसी और की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है बहुत संक्षेप में, उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र जी जो हैं वो अपनी अंतिम टिप्पणी। जी वीरेंद्र जी। हाँ जी, एक और प्रश्न जो यहाँ बड़ा मतलब मेरे को महत्वपूर्ण लगा, और मैं जब 11वीं कक्षा में था तो उधर गया जगन्नाथपुरी, तो उस समय चलो मेरे को उसका कुछ समाधान भी अपनी दृष्टि से मिला कि हमारे यहाँ जैसे जो दक्षिण में संभवतः जो मंदिर हैं जितने, उनमें बहुत सारी जैसे जो काम शास्त्र की मुद्राएं हैं वो उकेरी रहती हैं। एक एक तो ये है कि हम मंदिर में पूरा सात्विक भाव से, और गीता का भी जैसे यहाँ चर्चा हुई, गीता की भी जैसे चर्चा हुई, एक तरफ तो मतलब काम को हे दृष्टि है, दूसरी तरफ ये भी है कि सात्विक काम भी मैं ही हूँ, उधर भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। तो वहां वो मंदिरों में इस तरह का जो मूर्तियों का उकेरना वो बनाना, वो उसके पीछे का क्या रहस्य है? मुझे तो संभवतः बाद में आके थोड़ा जब अध्ययन किया तो मुझे लगा ऐसा शायद, अब वो सही है कि गलत, क्योंकि विद्वत वृंद यहाँ बैठा है वो भी उसका समाधान कर सकेगा, कि शायद जैसे हमने योग की बात की कि हम हमेशा मुक्ति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब लोग उस तरफ अग्रसर होने लगा हो, और इस पुरुषार्थ को, क्योंकि जब हम पुरुषार्थ के मध्य रखते हैं, हमने काम को पुरुषार्थ के मध्य रखा तो ये कहीं भी है नहीं है, और एक इस तरह की प्रवृत्ति लोक में जागृत ना हो कि वो काम को हे दृष्टि से ही देखे, तो क्या ये कारण रहा मंदिरों में मूर्तियों गिरने का? एक एक तो क्या मतलब उसके पीछे की क्या रहस्य रहा, ये भी एक ज्वलंत प्रश्न है, और बहुत सामान्यतः सभी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आप मंदिर में जा रहे हैं और बाहर मूर्तियां इस तरह की हैं और अंदर बड़े सिद्धपीठ है जगन्नाथपुरी, तो ये एक, मुझे तो ये उसका उत्तर मिला, पर बाकी शास्त्र सम्मत ये तो मेरे मन की उपज है तो वो शास्त्र में अक्सर लोग इस विषय में संकोच करते हैं कि ये जो बाहर जो काम संबंधी मूर्तियां हैं और फिर वो अंदर जो है वो देवता बैठे हैं। मैं डॉक्टर साहब 11वीं में था जब बड़ा उहापोह में रहा, तो एमए तक आते आते मुझे मेरे मन में ये बार बार उठता था प्रश्न, तो मुझे फिर अंततः यही समाधान लगा भाई शायद ऐसी स्थिति रही होगी। बाकी डॉक्टर साहब थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे जरूर। चलिए डॉक्टर साहब इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एक तो प्रोफेसर रमेश वर्मा जी के प्रश्न का जरूर समाधान, और ये जो डॉक्टर साहब ने भी प्रश्न रखा है इसको भी आप टेकअप कीजिए। हाँ, आज काफी अच्छे प्रश्न किए गए, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने एक तो प्रश्न जो वर्मा जी का किया कि काम गीता कहाँ है, तो काम गीता महाभारत के अंदर है और उसका एक अध्याय है पूरा, वो अनुगीता से पहले अश्वमेध पर्व में है, 13वां अध्याय है वो, अश्वमेध पर्व का 13वां अध्याय है, इसमें कृष्ण काम गीता की बात करते हैं। गीताएं कितनी है, तो इस गीताओं पर मैंने कुछ कार्य किया था कि महाभारत में कितनी गीताएं हैं। लोग अधिकतर ये समझते हैं गीता एक ही है, ऐसा नहीं है, अनुगीता भी है महाभारत के अंदर, काम गीता भी है, उसके कृष्ण प्रोक्त का है, तो करीब महाभारत में 94 गीताएं हैं। इस पर मैंने काम किया है कि 94 गीता कौन कौन सी हैं। ऐसे पुराणों में भी बहुत सी गीताएं हैं, करीब 120 गीता पुराणों में हैं, और कुछ लोगों की लिखी करीब 228 गीता मेरे पास हैं, कि जो 228 तरह की गीताएं मिलती हैं। यानी महाभारत का जो गीता साहित्य है, जो विविध गीताएं हैं, उसमें करीब 11,000 श्लोक हैं, तो वो समुचे श्लोक दर्शन के हैं और वो दर्शन की ओर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल हम एक भगवद गीता के आधार पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सी गीताएं हैं और उनको हमें देखना चाहिए।
तो काम की गीता। अब काम का जो यहाँ एक तो प्रश्न ये था कि काम गीता वहाँ है, उसकी मैं कॉपी चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। 94 गीता है, कौन सी है महाभारत की, इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा किसी को चाहिए तो महाभारत में तो 94 गीता क्यों क्यों है वो गीता, उनको किस लोगों ने कहा। पुराणों में भी गीता है, भागवत में भी गीता है, और करीब 228 गीता है। अब जो ये तो खाली एक जानकारी हुई है, और अब जो प्रश्न है कि काम का जो निग्रह की बात करते हैं कि काम और ब्रह्मचर्य का कैसे अन्वय होगा, तो कहते हैं कालिदास कहते हैं शेषे व्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ति है ना तनुतेजाम, कि जीवन के चार लक्ष्य हमारे उस हिसाब से चलते हैं कि जब हम शेषे व्यस्त विद्या नाम, कि जब बचपन में है तो हम शिशु अवस्था में हम विद्या का अध्ययन करें, यौवने विशेषिणाम जो काम वासना है वो केवल यौवन के लिए, वो वार्धक्य में काम नहीं आती है, तो यौवने विशेषिणाम वार्धक्य के अंदर वानप्रस्थ ये चार आश्रम जो थे, ब्रह्मचर्य आश्रम केवल ब्रह्मचर्य तक ही रहता है, उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं रहता। पर जो गृहस्थ जो है वो गृहस्थ उसके पीछे काम के पीछे पागल नहीं हो, इसलिए मनु कहते हैं कि कामात्मता न प्रशस्ता न से भाष्य कामता काम्यो ही वेदाधिगम कर्मयोग से वेदिक, कि काम के पीछे काम को हम छोड़ नहीं सकते। कोई अगर कहे हमने काम को जीत लिया तो एकदम गलत बात है, कोई आज तक काम को जीत नहीं पाया, कोई भी भगवान भी काम को नहीं जीत सकते, काम अजय है, काम को ऐसी शक्ति नहीं मानते कि उसको कुछ दिन जीता हो, भगवान शिव भी उसको उस तरह से जीत नहीं पाते, बुद्ध भी नहीं जीत पाएंगे, तो काम जो अजय है, पर वो काम जो है उस काम को काम के अंदर जो है उस काम को हम कैसे जीतेंगे, तो शंकराचार्य जब कहते हैं कि सम दम तितिक्षा है, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, कि ये जिज्ञासी में ये चीजें होनी चाहिए कि वो कुछ इंद्रियों को समन करे और कुछ का दमन करे तो और कुछ का वो उपरति करे, कि जिनको काम को समाप्त कोई नहीं कर सकता। काम समाप्त कैसे होगा, तो कहते हैं काम की समाप्ति जब हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई मुझे मिठाई खाने का शौक है, रसगुल्ले खाने का शौक है, अब मैं दिन भर रसगुल्ले खाऊं, दो दिन तीन दिन तो फिर मेरा शौक खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उससे उपरत हो जाऊंगा, विश्रांत हो जाऊंगा, या बार बार नहीं चाहिए। ऐसे किसी चीज के पीछे आप जवानी में चले गए तो बाद में वो काम अपने आप ही तृप्त हो जाता है, उपरति कहते हैं, विश्रांति कहते हैं, कि विश्रांति हो जाएगी तो काम आप जीत जाएंगे। पर काम वो जो तो हाँ, जिस समय काम था उस काम को उन्होंने इस रूप में नहीं लिया कि वो हमारे को एक मतलब अधिकार है, मैथुन का हमें अधिकार है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वो कहते हैं कि लोकांत एम दिव प्राप्ति संति पुत्र पोत्र प्रपोत्र गई, कि काम को हम इसलिए अनिवार्य कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में कि उससे हमें संतान प्राप्त होगी, हमें काम सुख प्राप्त नहीं करना, हमें उसको पुत्रेषणा जो है पुत्र के लिए हम इसको काम को कर रहे हैं, और क्योंकि लोकांतेयम दिव प्राप्ति वो इस लोक का अतिक्रमण करेगा, परलोक में ले जाएगा, पुत्र पोत्र यानी हमारे ऊपर एक ऋण है, वो ऋण क्या है, उस ऋण को जब समझेंगे तो बहुत सी बातें यहाँ आ जाएंगी कि ऋण क्या है, कि मेरा ये जन्म हुआ, मेरा जन्म माता पिता से हुआ, अब मैं उनका ऋणी हूँ या नहीं हूँ, मेरे शरीर में माता का कितना अंश है, पिता का कितना अंश है, तो फिर पता लगेगा कि अगर उन दोनों का अंश है तो उनके माता पिता का भी अंश होगा, फिर उनके माता पिता का भी अंश होगा, तो कितने मेरे अंदर अंश होंगे, तो इस पर बड़ा विचार किया गया, इसे हम पिंड विज्ञान कहते हैं। हॉर्मोन्स की जो बात थी उसको हमने निकाला कि हमारे अंदर 84 कलाएं होती हैं, जो 56 कलाएं जो होती हैं, 28 कलाएं जो होती है वो हमें बचपन से प्राप्त होती है, उसमें कितनी माता से मिलती है, कितनी पिता से मिलती है, कितने उनके माता पिता से मिलती है, तो उन सबका एक क्रम है कि हमें करीब 28 कलाएं, ये बड़ा विस्तृत विषय है, पर 28 कलाएं हमें मिलती है, इसे हम सप्त पुरुष का सिद्धांत कहते हैं वेदों में, इसी से हमारा श्राद्ध संपर्क होता है कि हमें 28 गुण जन्म से मिले, 28 डेवलप हुए, और फिर 28 जो हमें बाद में मिलते हैं, तो वो 28 जो है, इसलिए इसको पिंड विज्ञान कहते हैं, सपिंड विज्ञान कहते हैं, तो हमारा ये शरीर जो है, ये शरीर किस तरह से चलता है, हमारे शरीर में हमारा पितामह भी विद्यमान है, पर पितामह विद्यमान है, तो सात पुरुष हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, सप्त पुरुष का सिद्धांत है कि सात पीढ़ी, इसी को हम पितृयज्ञ कहते हैं, कि पितृयज्ञ क्या है, कि हम उनका उपकार कैसे करें, हमने उनसे ले लिया, अब माता पिता को या मैं दादा दादी को या मैंने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को मैं गुरु को वापस कैसे दूं, तो मैं उससे ऋण कैसे होऊंगा, इसलिए वो कहते हैं कि महायज्ञ की जो अवधारणा थी, हमें ऋण होना है उससे, मनुष्य वही है जो ऋण तीन चुकाए, तो देव ऋण जब मैं गुरु से मैंने ज्ञान ले लिया, उस ज्ञान को जब मैं बांट देता हूँ, तो मैं उस ऋण से मुक्त हो जाता हूँ, मैं पैदा हुआ, मैं किसी को पैदा कर देता हूँ, मैं किसी का पिता बन जाता हूँ, तो मैं उस ऋण से मुक्त होता हूँ, इसलिए इसको पितृण कहा गया, कि पुत्र पितृण जभी मुक्त होंगे जब हम पुत्र को पैदा, पुत्र का मतलब पुत्री कोई भी संतान हो, तो कितने पुत्र हो सकते हैं, तो मनु ने करीब 12 तरह के पुत्रों की बात की, कि पुत्र 12 तरह के होते हैं, औरस पुत्र होता है, क्षत्र पुत्र होता है, वो कहते हैं कन्या का पुत्र होता है, तो वो कहते हैं दत्तक पुत्र होता है, तो वो से पुत्र 12 तरह के पुत्र मानते हैं, कि 12 तरह से हम पुत्र पैदा करें, तो पुत्र इसलिए कि हमारे ऊपर एक ऋण है, तो हमारी प्रकृति का एक ऋण है,
हमें माता पिता का ऋण है, हमारे पिता परमात्मा का, तो ये पूरा श्राद्ध का विषय है कि श्राद्ध इसी पर आधारित है और इसको तर्पण भी इसी पर आधारित है कि हम उन पीढ़ियों का देवताओं का पितरों तक जाए। उस पितरों का संबंध लास्ट में चंद्रमा से आता है कि चंद्रमा से हमें पितृ आता है, चंद्रमा पितृलोक है, तो एक पितृलोक है एक देवलोक है। तो देवलोक जो है उस देवताओं से हमें क्या मिलता है, तो देवता वही है पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पांच देवता है, उनको शिव की अष्टमूर्ति कहते हैं कालिदास, और उसमें जो है सूर्य चंद्रमा और आत्मा, तो ये आठ आठ चीजें अष्टमूर्ति शिव की है, इसे वो कहते हैं कि अष्टमूर्ति शिव की है। इन्हीं को अष्ट भैरव कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं ब्राह्मी माहेश्वरी कुमारी वैष्णवी बाराही नारसिंगी महालक्ष्मी चामुंडा अष्टमात्र है, तो ये अष्टमात्र शक्ति के, तो ये हमारी प्रकृति से हमें मिला, शरीर हमें प्रकृति से मिलता है, शरीर के अंदर जो हमें प्रकृति से कुछ चीज मिले, कुछ माता पिता से मिली, कुछ चीजें हमें देवताओं से मिली है, देवताओं से जो मिला वो अलग है, पितरों से जो हमें मिला अलग है, और ऋषियों से यानी हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान हमारे गुरु से प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को हम गुरु को वापस छोड़ दे सकते हैं, हम उस ज्ञान को अध्यापन वृत्ति के द्वारा उसको आगे ले जाते हैं कि उस ज्ञान को हम आगे बांटें। तो इस तरह से इसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ की अवधारणा जो लोक संग्रह नहीं है कि दिखाने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ की जो मूल भावना है तो कहते हैं यज्ञ और महायज्ञ की अवधारणा जो है कि हम इस सृष्टि क्रम जो है उसको हम आगे चलाएं पितृण, और ऐसे हमने किसी मनुष्य से फायदा लिया उस मनुष्य के बदले में हम अतिथि करें, उसे मनुष्य यज्ञ कहा कि इंद्र यज्ञ अतिथि पूजनम, और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि बलि वैश्वदेव है, उसमें बलि वैश्वदेव में उन्होंने कहा कि देवा मनुष्य पशु विनांशी यक्षा सिद्धो रगदित्य संघा प्रेता पिशाचा सर्व समस्ता ये तानी मया पदत्तम, कि मैंने जो भोजन बनाया उस भोजन में मैं खा रहा हूँ, बाकी लोग तो बैठे भूखे, तो कैसे होगा, तो देवता मनुष्य पशु यक्ष सबके लिए मैं पहले देवों की बलि देता हूँ, उसके बाद में कहते हैं गाय की बलि देता हूँ, कुत्ते की बलि देता हूँ, कौवे की बलि देता हूँ, और बाकी जो है उन सब की भी मैं बलि देता हूँ जो मेरे से अन्न चाहते हैं। तो इस तरह से ये जो समर्पण है इस चीज को लौटाना है तो वो सब यज्ञ कहलाता है। एक ये बात मैंने कुछ कही, दूसरी जो बात थी कि हम लोग जो काम जो है उस काम को हम कोई जीत नहीं सकता, ये तो असंभव है, जीता नहीं जा सकता। पर वो तुम दोनों मजाक करते हैं कि जब शिवजी जैसे लोग जो हैं वो क्या काम को जीत पाए थे क्या, उनको वापस जिंदा किया उन्होंने अनंग के नाम से, क्यों जिंदा किया उनको, तो वो कोई जीत नहीं पाया। और कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार रखा देवासुर संग्राम में, जब मोहिनी अवतार रखा तो उसमें भगवान कृष्ण का शिव का मन चल पड़ा, क्यों, जब शिव जैसा योगी अपने आप को एकत्रित नहीं कर पाता तो काम की जय कभी हुई नहीं, किसी ने आज तक काम को जीता ही नहीं है, काम एकदम अजय है, काम के लिए शंकराचार्य कहते हैं काम को कोई नहीं जीत सकता, कोई कहे कि हमने काम को जीत लिया, नहीं, काम जो अजय है क्योंकि वो काम काम वो अजय है। अब ब्रह्मचर्य जो है ब्रह्मचर्य का पालन हमें करें और काम, अब कहें काम का पालन करते हुए भी साधना कैसे की जा सकती है, एक प्रश्न आएगा कि काम को हम काम को जो सीमित काम जो होता है जो अनिवार्य काम होता है अनिवार्य काम को करने की हमें धर्मशास्त्र आज्ञा देता है कि जो अनिवार्य है संतान उत्पत्ति के लिए अगर आप मैथुन करते हैं तो वो अनिवार्य है, संतान उत्पत्ति के करते वो अलाव नहीं, तो वो ब्रह्मचर्य कहा गया कि गृहस्थ का ब्रह्मचर्य क्या होगा कि वो संतानोत्पत्ति के लिए केवल संपर्क करे तो ठीक है और वो हमेशा करे तो वो गलत हो जाएगा कि वो फिर वो काम के चक्कर में फंस गया, इसलिए वो नियंत्रित काम का अर्थ ये है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए उसे अलाव किया गया कि इसीलिए कहा। तो वानप्रस्थ आदि जो है तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यही नहीं है कि इंद्रिय निग्रह, अब वो कहते हैं इंद्रिय निग्रह जो है इंद्रिय जो इंद्रियों को हम जब नियंत्रण करते हैं तो इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते काम को मार नहीं सकते, काम काम को दूसरे काम में लगाते हैं, मन बुद्धि अहंकार ये तीन चीज है क्या, जैसे हम लोग सोचते हैं कि भी एक इंद्रिय मन है एक बुद्धि निर्णय करने वाली, ऐसा नहीं होता, ये तीनों एक ही वृत्ति के नाम है। तो हम कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक इंद्रिय मन है, वेदांत में ऐसा कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक इंद्रिय मन है, न्याय में कहते हैं सुख दुखादि उपलब्धि साधन इंद्रिय मन है कि सुख दुख की उपलब्धि, तो मन की कई परिभाषाएं होंगी, बुद्धि निश्चयात्मिक अंतकरण वृत्ति है, पर ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि एक ही चीज है, ये तीनों तीन नहीं है, जो ऐसा समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, ये तीनों साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मन अलग है बुद्धि अलग है, वो बुद्धि पर कंट्रोल करने आती है, वो वही चीज अगर हम मन को निर्णय की ओर ले जाते हैं तो बुद्धि बन जाता है, तो उसे सर्वेंद्रीय मन कहते हैं कि मन सभी इंद्रियों का रोल कर लेता है, मन ऐसा नहीं है कि मन आंखें भी जुड़ता है कान से जुड़ता है और सभी इंद्रियां जो है उनको मन उन सबका राजा है, राजा होने के कारण वही मन है वही बुद्धि है वही अहंकार है। अब उस काम को अगर हम भगवती की ओर लगा देते हैं आराधना में लगा देते हैं तो काम हमारे को मुक्ति का रास्ता वही देगा और कोई रास्ता देने वाला भी नहीं है, कि अगर कोई योग है तो इस योग का अर्थ यही है कि वो काम उस कामना को हम ईश्वर के प्रति अर्पित करें, कब करें कैसे करें, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में होता है, वो कहते हैं 24 घंटा उसकी आराधना करनी चाहिए। भास्कर राय ने अपने भावना परिषद की व्याख्या लिखी और कहा कि समुच्चय भावना के द्वारा ये मुक्ति करते हैं, शरीर में क्या है शरीर हमें पता नहीं क्या,
अगर भले काम शास्त्री ने कह दिया कि शरीर में चुंबन करने से रस आता है, ऐसा कोई रस नहीं है, पर वो उसकी भावना है, वो उस प्रेमी की भावना है, उसको सुंदर मानता है, ये मांस का हार्ड मांस का शरीर और उसमें दिव्य भाव कहाँ से हुआ, और जैसे कल्पना ही होती है, इसलिए कहते हैं भावना से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर में अपने देवता की भावना करेंगे और इसमें दिव्यता की भावना करेंगे, तो दिव्यता की भावना करने से आप दिव्यता को प्राप्त कर लेंगे। इस शरीर को आप केवल शरीर मानेंगे तो शरीर के आप अर्थ में रखेंगे इसको, अब इसको आप परमात्मा के अर्थ में रखेंगे शरीर को, तो परमात्मा की भावना हो जाएगी, तो जीवन की प्रत्येक श्वास के साथ में आपका उससे अन्वय होना चाहिए परम तत्व से, तो आपको उसका अनुभव हो जाएगा, और वो अनुभव का यही रास्ता है, और कोई रास्ता, गीता भी इसी रास्ते को कहती है कि गीता यही कहती है, वो कहते हैं जो प्राण प्राण और अपान है, ओमित्य काक्षरम ब्रह्म है व्याहरण मामन सुसरण, उसमें वो कहते हैं कि प्राण और अपान ये हमारे शरीर की जो पंच वायु हैं, इन वायुओं को हम कहाँ लगाएं, तो इन वायुओं को सबको इकट्ठा करके वो कहते हैं कि इन सबको ले जा करके हमें ध्यान लगाना है। ध्यान किसका लगाना है, तो हमारी मन कल्पना होगी, आपको जो देवता पसंद हो उसके हिसाब से आप ध्यान लगा लीजिए और उसी रूप में वो प्राप्त हो जाएगा आपको, तो जो आपका ध्येय विषय है उससे आपका साक्षात्कार उसी तरीके से हो जाएगा उसके प्रति समर्पण से। और यही जीवन का मतलब, सब कुछ करते हुए भी, काम करते हुए भी आप काम ही नहीं है, वो कहते हैं ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप काम कर रहे हैं पर वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो आप इसके जिम्मेदार नहीं है, पर आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने आप को अहंकारी मान रहे हैं, तो आप दुखी हो जाएंगे और आपका उपाय नहीं होगा। तो हम जब ऐसा मानते हैं कि मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, भोगता हूँ, तो हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते, हमें ये मानना पड़ेगा कि मैं हूँ ही नहीं, और जो कुछ है उसने करवाया, निमित्त मात्रम भव सभ्य सांचीन, गीता में लास्ट में वही कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, कि सब धर्मों को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, धर्म सबको छोड़ के आ जाओ, इसमें आ जाओ कि मेरे समर्पण में कर दो, कि ये मानो कि मेरे अलावा कुछ है नहीं, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। कितना सरल रास्ता, अंतिम ये गीता का एक निष्कर्ष वाक्य है, इसके साथ में मेरी बात समाप्त करता हूँ, आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, आपने बड़े विस्तार पूर्वक इस सारे विषय को समालोचित किया। एक प्रश्न जो रह गया है डॉक्टर इनका वीरेंद्र जी का, कि ये जो मंदिरों के बाहर हम जो काम मुद्राएं देखते हैं, आकृतियां देखते हैं, और मध्य में जो है वो देवता की स्थापना की जाती है, उसका रहस्य क्या है? मुझे लगता है कि मैंने उस पर थोड़ा सा रेफर किया था कि वो एक प्रक्रिया है कि बाहरी भौतिक सुखों से कैसे आप अंदर की ओर चलते हैं, देवता की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया है। और फिर उसके साथ साथ अगर आप उन मुद्राओं को और उन चित्रों को, उन आकृतियों को देखें, तो उनमें आपको एक अलग से क्रम दिखाई देगा। प्रत्येक मंदिर में वो अलग अलग क्रम आपको वहां दिखाई देंगे, कि भी वो मूर्तियां जो है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो है वो किसी विशेष क्रम में है, वो हर मंदिर की अपने जो उसके पीछे का दर्शन है वो उस क्रम से वो मूर्तियां जो है वो आपको वहां दिखाई देती हैं। तो लेकिन वो, और सबसे बड़ी बात है कि आप भारतीय समाज की को इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि वहां कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसे विषयों को लेकर के भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, आप बड़ों के साथ जा रहे हैं, और लेकिन आप विनम्र भाव से जा रहे हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं, और अंदर तो आप अपने देवता को प्राप्त करने जा ही रहे हैं। तो इसलिए वो कोई ऐसा विरोध या अंतर विरोध नहीं है, वो हमारी दृष्टि में है, क्योंकि हमारा जो है वो संकोच भाव है। तो मैं समझता हूँ कि इस विषय को ये जो विषय था कि जैसे इसमें पंचमकार आते हैं, तंत्र में पंचमकार भी हैं, तो वो कहते हैं कि साधक के भेद होते हैं कि वो एक सामान्य साधक होता है, पशु भाव वाला है, वो खुद इसके लिए यही आनंद है, उसके आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद ब्रह्म है, तो आनंद ब्रह्म है, तो वो कुछ मैथुन को आनंद समझ लेते हैं, कुछ कहीं भोजन को आनंद समझते हैं, काम वाले कुछ अर्थ वाले धन को समझते हैं कि पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, तो वो एक धनिक आदमी पैसे को आनंद समझता है, तो जिस तरीके से चले, तो वो कहते हैं कि एक तो मैथुन पंच मकार है, इसमें मदिरा मांस आदि पंच मकारों की बात की गई, ये सामान्य लोग इसी को समझते हैं कि ये हमारा, तो उनके लिए उनका ये भी है। वहाँ जो योगी है उनका कि योगी जो है उसके लिए वो वहाँ मैथुन ये नहीं है कि वो का मैथुन वहाँ दूसरा हो जाएगा, कि वहाँ मैथुन जो है वो कुंडलनी को उठा करके मूलाधार से उठा करके संसार में ले जाए, तो वो मैथुन है उनका। वो कहते हैं कुंडलनी को उठा करके विद्युत माला के समान
निवार के जो उसके विस्तंतु तनिये सी बना करके उसको आप उठाएं, एक चक्कर में लगाएं, सब कुछ ये कब कर सकते हैं जब सब कुछ भूल जाए। आप दुनिया को भूलेंगे तभी तो सब सोचेंगे मन में, क्योंकि सोचना ही आपको मन में मानना ही है कि मेरी कुंडलनी उठी और उठ करके वो एक एक चक्कर का वेदन करती हुई संसार में पहुंच गई और शिव से उसने मिलन किया और वापस आ गई। तो ये मैथुन है, तो एक मैथुन तो ये हुआ कि ये योग की दृष्टि से मैथुन हुआ कि यहाँ हमने शक्ति का शिव से समागम किया, ये असली काम है। ये काम तो आत्मिक काम कहलाता है, ये काम जो आत्मिक काम है। भौतिक काम जो है, भौतिक काम तो लोग उसी को समझते हैं कि भौतिक काम जो है उसमें उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मानंद सहोदर है कि शंकराचार्य को जो प्रश्न था कि वो काम कलाएं क्या है, भारती ने जब प्रश्न किया था तो उन्होंने शरीर के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने पूरे काम को अध्ययन किया कि काम जो शारीरिक काम है उसमें भी एक आनंद मिलता है, वो जो आनंद है उस आनंद को वो कहते हैं कि उसमें मैथुन मैथुन के छह भेद होते हैं कि मैथुन के छह भेद होते हैं। तो उसमें वो कहते हैं उसमें शीतकारम शात आवनम चुंबनम ध्यान मीतम जपनम रमणम प्रोक्तम वीर्य पातस्य दक्षिणा। तो ये एक क्रम ये भी है कि वहां जो एक आनंद मिलता है कि उन दोनों को दो लोग भी नहीं एक ही मानते हैं, अर्धांगिनी अर्धांगिनी का जो समन्वय है जहां से सृष्टि पैदा होती है वो मिथुन वहां निंदनीय रूप में नहीं है जिस तरह हम पाणी के तरफ में रह रहे हैं, वो मिथुन जो है वो शिव और शक्ति का जो मिथुन है, तो वो शिव शक्ति का जो मिथुन है वो एक पूज्य भाव है कि वो पूज्य भाव के रूप में कि वो पूज्य भाव होता है और ये दोनों मिलते तो सृष्टि होती है, नहीं चेतना से चेतना बनेगी नहीं, आपके बीज बनेगा ही नहीं। इसलिए जो मैथुन है उस मैथुन को उन्होंने उस रूप में दिखाया कि ये जो मैथुन का रूप है और ये ही हमें आनंद को प्राप्त करता है। कि आनंद का हमें अनुभूति कैसे करें, आप कहो साहब सच्चिदानंद ब्रह्म है तो सत्य तो समझ में गया, चित्त चेतना को समझ लिया, आनंद क्या चीज है उस आनंद को हम कैसे समझें। तो लोक में उदाहरण दिया कि जो हमारे पांच हमारे आनंद के तरीके हैं, भाई हम कहते हैं भाई पांच हमारे आनंद मिलते हैं, एक आंखों का आनंद है, कान का आनंद है, तो उसको रूप रस गंध शब्द कहते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक मिनट दो प्रश्न ले लें क्योंकि समापन की ओर हैं, लेकिन अभी दो लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया, एक तो डॉक्टर हरफूल सिंह गुज्जर जी हैं और डॉक्टर आशा मुदगिल जी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से हैं। जी हरफूल जी पहले आप अपनी बात रख लीजिए और बहुत संक्षेप में। जी जी सर, मेरा निवेदन ये था जब ये जो मंदिरों के बाहर जो मूर्तियों वगैरह का जो बता रहे थे, मैथुन का जो बता रहे थे, मेरा निवेदन ये था कि कैसा इसको वाम मार्ग से या जैसे बगला की साधना सौभाग्य क्रम से होती है या मान लीजिए श्री माई की गंधर्व क्रम से होती है, क्या इनका भी उससे संबंध हो सकता है? चलिए जेन्युइन क्वेश्चन है जी। एक डॉक्टर प्रोफेसर आशा मुदगिल जी, मैम आपका जी मेरी तो बहुत बहुत बधाई है जी, बहुत अच्छा चल रहा है आपका कार्यक्रम और सबके ज्ञान की वृद्धि हो रही है और शंकाओं का समाधान बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, धन्यवाद जी। जी तो डॉक्टर बहुत संक्षेप में कर दूं कि ये जो वो कहते हैं कि उसका उदाहरण दिया कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच है एक प्रमादी से कथन नहनते यत्तास्ति पंच भिरेव पंच है। वो कहते हैं कि एक एक जीव में एक एक दोष होता है, कुरंग हिरण सुनने के दोष से मारा जाता है, कुरंग पतंग, पतंग जो है पतंग को आप समझ लीजिए कि पतंगा किसे कहते हैं, जब पतंगा उसे कहते हैं चींटियों को, जब बरसात के दिनों में चींटियों के आंखों से पर्दा हट जाता है और उनको दिखने लग जाता है, चींटियां देखती नहीं है वो केवल सूंघ के चलती है, पर जब दिखता है तो सामने प्रकाश को देखती है तो उनमें बड़ा उत्साह होता है कि ये क्या सुंदर चीज है और वो उनके पंख निकलते हैं, चींटियों के जब पंख निकलते हैं जब उनकी मौत आती है और उड़ करके वो लाइट के पास जाती है और जल के नष्ट हो जाती है। तो जिस तरह पतंगा इच्छा शक्ति के कारण उसमें इच्छा शक्ति पैदा हुई कि मैं ये सुंदर चीज के पास जाऊँ, क्या अमृतमय चीज है, वो अमृतमय चीज नहीं है, उसमें जल करके वो नष्ट होता है। तो जिस तरह पतंगा नष्ट होता है, वो कहते हैं हाथी स्पर्श करके नष्ट होता है, कुरंग पातंग पतंग भृंग मीना मछली खा करके जाल में फंसती है, अगर खाए नहीं जाल में नहीं फंसे मकड़ी तो मछली को, ऐसे ही ये पांच जो विषय हैं ये हमें फंसाते हैं और इन पांचों विषय से मनुष्य में पांचों विषय एक साथ हैं, इन सब का जो रूप है वो कहते हैं कि जो पंच मकार है उसमें अंतिम जो मकार है उसको वो कहते हैं कि इसमें पांचों रस आ गए, तो ये संपूर्ण रस का प्रतीक है और ये संपूर्ण आनंद का प्रतीक है, सर्वानंद का यही प्रतीक है, इसलिए इन मूर्तियों को चित्रित किया जाता है। अब इसमें साधना क्या है, तो बगला के नहीं सभी देवियों में कामेश्वरी है, ऐसा नहीं है कि खाली बगला में है, जैसा हरपुर सिंह जी पूछ रहे हैं, तो हरपुर सिंह जी नमस्कार और आशा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप जो पूछ रहे हैं कि अब जैसे
छिन्नमस्ता देवी है, छिन्नमस्ता का जो रूप है आपने देखा नहीं हुआ ध्यान से, उसमें काम नीचे रत्ती सो रही है, रत्ती के ऊपर काम सो रहा है और उसके ऊपर छिन्नमस्ता खड़ी है। अब छिन्नमस्ता ने अपना सिर काट रखा है, उसने अपना सिर काट रखा है और उस सिर में से तीन धाराएं निकलती हैं और साथ में एक धारा खुद अपने सिर को पिला रही है और एक वज्रिणी और उसको पिला रही है। तो छिन्नमस्ता को वैरोचनी कहा गया है, वेदों में इसको वैरोचनी कहा, बौद्धों ने भी इसको माना। तो ये जो रूप है हमारी, जो कीड़ा पिंगला मध्यमा है, तो सुषुम्ना जो है उस सुषुम्ना को उन्माने की शक्ति है। इस तरह से जो काम के ऊपर ही तो हमने आसन लिया कि काम करते हुए भी अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो ज्यादा फायदा है, अगर आप नशा करके भी अगर भगवान को ध्यान कर लेते हैं तो कितना अच्छी बात है कि अगर आपने मध्य ले लिया, नशा कर लिया और नशा करके भी आप उस परमात्मा का चिंतन कर लें तो ये आपकी परीक्षा है। इसको वीर भाव कहते हैं कि वीर भाव से उसकी परीक्षा होती है, मैथुन भाव से भी उसकी परीक्षा की जाती है। तो वो परीक्षाएं जो है वो अधिकारी बेस से हैं, सबको अधिकारी बेस से है कि काम की जो स्थापना हमने बाहर की है मंदिरों के बाहर, तो वो काम का स्वरूप कमनीय स्वरूप है और लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा। तो हमें हमारी, हम सोचते हैं कि वेदों में कहा कि स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में क्या मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी, तो अप्सरा मिलेगी तो क्या मिलेगा, लास्ट में वही चीज मिलेगी जिसको आप चाहते हैं। तो वो मैथुन लास्ट में आता है, तो जो मैथुन जो है उसको कहते हैं सबसे बड़ा आनंद जो है मैथुन का आनंद है, और उस आनंद के अलावा हमारे पास आनंद को तुलना करने के लिए कोई विषय दुनिया में है ही नहीं। इसलिए उन्होंने उन्हें मैथुन रथ यानी दो जोड़े को साथ में रखा है कि जोड़े के साथ में उनको रखा जाता है मूर्तियों को, और उन मूर्तियों में जो उसकी दिव्यता है उस दिव्यता को हमने सामने रखा कि दिव्यता जो है माँ की दिव्यता है और वही जगजननी की दिव्यता है, और वो जगजननी जो जाती है वही शिव से बिका लेती है। वो अंतिम जो बात मैं कहता हूँ कि माँ है बाबा बाबा सबको कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया करे सो। तो इसलिए मातृशक्ति हमारे यहाँ वेदों में प्रधान रही, और शक्ति ही जो है वो शक्ति इसका प्रधान तत्व है। शक्ति में इसके तीन रूप हैं, सरस्वती शक्ति को पहला सरस्वती है, दूसरा उसको कामेश्वरी कह रहे हैं, दूसरा जो रूप है उसको तीन बीज हैं, त्रिविद्या के तीन बीज होते हैं, तो उनमें तीन पुर होते हैं, तो उसमें पहला जो बीज है वो सरस्वती का बीज है, उसको कामेश्वरी कहा उन्होंने। अब दूसरा जो बीज है उसमें भी उनका काम बीज ही है, और तीसरे में भी काम बीज है। ये तीनों बीज आपस में ऐसे मिले हुए हैं, इनको आप ऐसा नहीं समझे कि जो मन बुद्धि अहंकार ये तीन चीज नहीं है, जैसे हम समझ रहे हैं कि तीन चीज है तो ये समस्या आ रही है, ये तीनों एक ही तत्व है और इन तीनों के हमने नाम तीन कर दिए कि जैसे मैं खेती करता हूँ तो मैं खेती हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सोता हूँ, बोल रहा हूँ, वक्ता, तो ये तीनों एक ही चीज होती है। इसलिए सब देवता कोई भी देता हूँ किसी भी विद्या की आराधना करेंगे सब में वो एक ही बात आएगी घूम फिर करके, केवल नाम बदलते हैं और कुछ इसमें बदलता नहीं। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बाकी ये है कि इस सारे विषय को समझने के लिए हमें वस्तुतः स्वस्थ होना होगा, तब हम ये जो प्रश्न लेते हैं, ये प्रश्न जो हैं कि मंदिरों के बाहर इस तरह की जो काम संबंधी मूर्तियां हैं, वो वस्तुतः मुझे लगता है कि वो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं जो जिनका जो दिशा निर्धारण है वो देवता की ओर करने का उनका प्रयास है। तो उस आइडिया को, उसके पीछे के दर्शन को थोड़ा सा हमें विस्तार पूर्वक समझना होगा और स्वस्थ मन से हम इस विषय के ऊपर चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि वो जो रहस्य बहुत सारे रह गए हुए हैं, बहुत सारा साहित्य लुप्त हो गया, बहुत सारी साधनाएं नष्ट हो गई, बहुत सारा जो है दर्शन नहीं हमारे पास रहा, तो वो जो हमारे पास शेष बचा हुआ है उसको हम थोड़ा सा व्यापक कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो बहुत सुंदर प्रश्न आपसे, एक निवेदन और है आशुतोष जी से, आशुतोष जी आपने कहा ना कि ये जो हमारे नौ रस हैं साहित्य में अलंकार शास्त्र में, रति रास से सोकस तो क्रोधो साम भयमता, ये नौ भाव हैं, फिर जब स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, संसारी भाव, तो उनकी सूची बनती जाती है। ऐसे ही देवी के हम खाली एक रूप शक्ति रूप नहीं मानते इसको, जैसे सूक्ति में देखेंगे कि विष्णु माया है, स्मृति है, धृति है, मेधा है, कांति है, वृत्ति रूप है, तो 24 रूप मान लिए, तो अरे करीब दुर्गा सरस्वती में 360 रूप है देवी के, तो 360 तरह की वृत्तियां हैं, तो वृत्तियों के रूप है वो, कि वो वृत्तियों का जो देखते हैं कि वो सब में ब्रह्म देखना है, खाली ब्रह्म को खाली उस भीतर वाली मूर्ति में नहीं देखना है। आप सोच रहे हैं कि भाई जो मंदिर की मूर्ति है वही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म नेहं नानास्ति किंतन, हर तत्व में ब्रह्म कैसे होगा, तो हर तत्व में हर मूर्ति में ब्रह्म है, ऐसा नहीं कि बाहरी मूर्ति को दिखाने के लिए ऐसा नहीं होता जैसे हम समझते हैं हमारे मंदिर में ऐसा हो रहा है, नहीं, जो तत्व है वो ब्रह्म हमारी हर चीज में है, वो ऐसा नहीं कि वो जैसे हमारे शरीर में नौ धातु है
तो वो रक्त में भी है, रक्त मांस मज्जा ये अलग चीज थोड़ी है, तो वो सब में मूल तत्व निहित है। वो उसका जो बाहरी रूप है और भीतरी रूप, तीन रूप होते हैं। तो वो कहते हैं कि बाह्य पूजा, आंतरिक पूजा और महापूजा, तीन पूजाएं होती हैं। भास्कर राय ने कहा कि एक तो बहिर्यागम विधाये व अंतर्यागम समाधि, कि बाहरी जो हम पूजा करें तो बाहरी है, ये तो भौतिक है, दिखा सकते हैं। अब अंदर पूजा हो रही है, इसको कैसे दिखाएंगे आप? अंदर जो पूजा होगी इसको मानसिक पूजा कहते हैं। और उसके बाद में एक महायाग और होता है कि महायाग में अब सब कुछ मैं ही बनूंगा, बिल्कुल, उसमें जीव और ईश्वर मंत्र सब एक हो गया, ब्रह्मांड एक हो गया, कि मैं अब मैं मेरा शरीर नहीं है। उसे भावना परिषद में भास्कर राय ने कहा कि मैं एक घंटे में आपको पूरा ब्रह्मांड अंदर दिखा देता हूँ। भावनोपनिषद दिखा उन्होंने कि हमारा प्रत्येक श्वास में पूरा श्रीयंत्र इसमें देख लेता हूँ, अब मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो सब कुछ मेरे अंदर हो गया कि भावना तो सिद्ध हुई होगी होती, तो ये भावना जो है वो एक भावनाएं होती है, तो भावनाओं का जो विकास है वो उसका सिद्धि का मार्ग है। इस विषय को लेंगे दोबारा चर्चा करेंगे, विस्तार चर्चा करने आवश्यक है। भावना व्यापार जो है उसको भी हम किस वक्त लेंगे, और इसके अतिरिक्त दश महाविद्याओं के ऊपर और श्री यंत्र के ऊपर भी हमारी चर्चा करना भी शेष है, उन विषयों को हमने। डॉक्टर साहब अभी यही कहने वाला था मैंने, का एक व्याख्यान डॉक्टर साहब का श्री यंत्र पे ही कराएं। जी जी, वो बिल्कुल लेंगे, और उसको फिजिक्स वालों के साथ मिला करके लेंगे। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से भी निवेदन किया हुआ है, क्योंकि उसके जो ट्राइंगल्स हैं और जो बाकी सब हैं उसको देखेंगे। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वीरेंद्र जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें, और समय जो है वो थोड़ा समय सीमा से मर्यादा से बाहर जा चुका है लेकिन धन्यवाद करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। यंत्र का अगर कुछ आप रखे तो जरूर इन्फॉर्म कर लीजिए कि बेटी के साथ में वो समावेश कर दिया है, और राजेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद है इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, प्लीज स्टे इन टच फॉर द नेक्स्ट इशू। जी जी डॉक्टर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, बड़े ही सुंदर और स्पष्ट सरल शब्दों में इतने गूढ़ और गहन विषय को उन्होंने उपस्थापित किया, और इस आज की चर्चा की सार्थकता इससे भी जो है वो हमें जाहिर होती है कि इतने सारे प्रश्न आए और उन प्रश्नों का भी बड़ी विद्वत्तापूर्ण डॉक्टर साहब ने समाधान किया। ऐसे वैदिश्यपूर्ण व्यक्तित्व को आज इस मंच पे सुन के हम कृतकृत्य हुए, मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ, और इसके साथ साथ पुनः आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर आशुतोष जी का, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया और इस तरह की निरंतर जो वो हमें चर्चाएं सुनने को मिलती रहती हैं। बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब आपके भी, और जो इस मंच पे दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं सभी का मैं नाम नहीं औपचारिक रूप से, क्योंकि बहुत समय भी हो चुका है, तो सभी का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का करता हूँ। और इस तरह से ही आप जुड़े रहिए और नई नई चर्चाएं हमें सुनने को मिलती रही आशुतोष जी के माध्यम से, तो बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया, और आप सभी से निवेदन है कि चैट बॉक्स में फॉर्म जो है उसका लिंक शेयर किया गया है गूगल फॉर्म का, आप उसको भर सकते हैं, और आपका सर्टिफिकेट जो है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ओर से आप तक पहुंच जाएगा, आपकी मेल पे पहुंच जाएगा, तो प्लीज उसको जरूर भर दीजिएगा। और जल्दी ही हम और विषयों को लेंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हमने अभी तक कोई चर्चा नहीं की, उन आयामों को टटोला ही नहीं है, तो आप लोगों का सहयोग जो है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो कृपया जुड़े रहें। और कुछ और अगर आप लोगों के पास कोई और भी ऐसे विषय हैं जो और वक्ता हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारी बुद्धि का विस्तार कर सकते हैं, तो आप कृपया उनकी सूचना हमारे तक जरूर दें और हम उनको सादर आमंत्रित करेंगे। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, आप स्वयं देना चाहते हैं किसी एक विषय पर, और या कोई आपके ध्यान में कोई वक्ता है किसी भी विषय के ऊपर विशेषज्ञ, तो कृपया उसके बारे में हमें सूचना जरूर दें। धन्यवाद इन्हीं सब शब्दों के साथ चित्रंजन जी का, मैडम डॉक्टर माधवी जी का, और गुप्ता जी का, और राजेंद्र प्रसाद जी का तो है ही है,
उनसे हम आगे भी इस सारे विषय को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, विशेष रूप से जो है वो दक्ष महाविद्या और श्री ज्ञानदेव जरूर लेंगे। और इसके साथ अभी डांसेस के ऊपर और बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं लेना चाहता हूँ। अभी तो पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर एक विषय था जो मेरे से रह गया हुआ है, तो जल्दी ही हम उसको भी टेकअप करेंगे। धन्यवाद। मेरा एक नम्र निवेदन है कि ऑनलाइन तो आप कर रहे हैं महान कार्य, ऑफलाइन में ही मैं थोड़ा निवेदन कर रहा हूं कि यदि विद्वानों की इस प्रकार से सुविधा के अनुसार उनके आशीर्वाद से हमारे एकेडमी में उनका पदार्पण हो और हमें स्वागत का थोड़ा अवसर मिले, उनका व्याख्यान भी हो जाए, तो व्यवस्था जी आपके माध्यम से कोई दिन निर्धारित करके हर हफ्ते दो हफ्ते में एक बार ऐसा कुछ अगर ऑनलाइन आप इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे ना यूट्यूब पे, तो वो लिंक हमें भेज देना, बहुत सुविधा होगी। थैंक यू, भेज दूंगा, आप सभी के साथ साझा कर लूंगा। और संस्कृत एकेडमी का ये जो संकल्प है इसको हम जल्दी ही पूरा करेंगे। धन्यवाद, आप सब मीटिंग छोड़ सकते हैं अब। थैंक यू एवरीवन।